सो हेलो ब्रिवान एंड गुड इवनिंग सभी को उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक एक बार कन्फर्म कर देंगे आज हम लोग का स्पोर्ट्स का लेक्चर नंबर सेकेंड रहने वाला है फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट हमारे इवेंट्स होते हैं जैसे कि ओलंपिक्स कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड फुटबॉल वर्ल्ड कप इसके बारे में हम लोगों ने देखा था आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी बैडमिंटन टेनिस कबड्डी जो ये गेम्स होते हैं चेस हो गया तो इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं क्वेश्चंस इन दी सेंस कि डायमेंशन से क्वेश्चंस बन जाते हैं या फिर कभी कभी क्वेश्चंस स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस बन जाते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें होती हैं इक्का दुक्का जहाँ से क्वेश्चंस आपके उठ जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हम लोग जो है आज के लेक्चर में करने वाले हैं थोड़ा सा आ, वैसा टाइप रहेगा आज का लेक्चर मतलब कि थोड़ी सी याद करने वाली चीज़ें जो हैं ज़्यादा होंगी है ना एक बार कन्फर्म करिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में कल पता है लेक्चर क्यों नहीं हो पाया था ये जो माइक है माइक भाई साहब बंद हो गए थे अब जब ये बंद हो गए तो मूड ख़राब हो गया तो जब मूड ख़राब हो गया तो फिर हमने सोचा कि अब कल क्लास लें और माइक भी सही नहीं किया कुछ और काम में लग गए फिर सुबह समझ लो दो घंटे लगे रहे फिर भी माइक जो है सही नहीं हुआ और माइक जाके सही पता है कैसे होगा सिर्फ रिस्टार्ट करने से कंप्यूटर ना जाने क्या कौन कौन सी फ़ाइल्स मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे फ़ाइल्स डाउनलोड करी ये फ़ाइल वो फ़ाइल पता नहीं वीआईडी नंबर जाने क्या क्या नंबर डाले कुछ नहीं हुआ उसके बाद जाके रिस्टार्ट किया तो अपने आप चीज़ें सही हो गई तो मुझे लगा कि चलो आपको यहाँ से एक सीख भी दे देते हैं दैट इज़ कि जब भी लाइफ में कुछ चीज़ें वर्क ना करें बड़ा ऐसा लगे ये वो डिप्रेशन एंगजाइटी सब हो आराम से रीस्टार्ट, रीस्टार्ट इन दी सेंस आराम से सो जाओ ठीक है सोने के बाद जो है सारे सल्यूशन्स निकल आएंगे आपके पास है ना जब भी कोई इस तरह का बहुत प्रॉब्लम लगे एंजाइटी, नर्वसनेस आराम से सो जाओ ठीक है सोने के बाद सारे जो दुख दर्द हैं वो आपके दूर हो जाएंगे ठीक है तो मतलब इतना सारा मशक्कत के बाद फाइनली बस रीस्टार्ट करने से ही वो जो है वॉइस उसकी वापस आ गई हाँ जी कोई नहीं एंड बाकी आ, हम आप लोगों को पता होगा कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से ठीक है मेरे सारे औजार तैयार हैं औजारों पे मैंने धार आर भी लगा ली है अपनी <laughs> और धार आर लगाने के बाद मैं आपको कन्फर्म कर सकता हूँ कि हाँ मंडे से आप लोगों का एफ आर बी बैच जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो मंडे से हम लोग स्टार्ट लेने वाले हैं एफ आर बी का राइट right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अब मतलब कि इसी से मैंने आपको एक वीक का टाइम दिया था कि भाई आराम से जो आपको करना है वो कर सकते हैं क्योंकि अभी जो अब से आपसे वीक आने वाले हैं यानी कि अब से जो दो महीने होने वाले हैं वो काफ़ी इंटेंस रहने वाले हैं आपको ये लेक्चर तो हमारे जो बैच के चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही एज़ यूजल क्योंकि और बचा ही कितना है अगर देखें तो रफली मैक्सिमम तीन हफ़्ते का बचा है मैक्सिमम क्योंकि दो हफ्ते में मैक्सिमम आपकी ख़त्म हो जाएगी तो मैक्सिमम एट मैक्स आप कंसिडर करके चलो कि तीन महीने का आपको ये जो बैच वाला पार्ट चल रहा है नहीं तो आप रफली दो महीने मान के सॉरी दो महीने बोलो दो हफ़्ते मान के चल सकते हो यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहने वाली हैं ठीक है तो ये एक तो ये क्लास रहेगी बैच की और दो आपकी एफ की नॉर्मल डेज पर मतलब आप ये कंसिडर कर सकते हो कि दो क्लास ऑन एन एवरेज आपकी क्लास रहेगी एफ की ठीक है सर वॉल्यूम भी बढ़ी हुई आ रही है अच्छा बड़ी हुई आ रही है फिर तो सही है <laughs> देखते जरा वॉल्यूम तो मैंने उतना ही नॉब पे लगा रखा है चलो बढ़िया है टाइमिंग ऑफ एफ आर बी टाइमिंग का अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूँगा टाइमिंग का तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो जैसे कि अपलोड हो गई आपकी देखते हैं यार सुबह आई थिंक एक को अपलोड करना पड़ेगा ए एम पे और क्योंकि ये बैच वाली क्लास भी रहती है ना शाम को तो एक को अपलोड करना पड़ेगा मेरे हिसाब से लगभग थ्री पी एम रफली ठीक है एट एम थ्री पी एम क्योंकि एक करंट अफेयर्स का भी वीडियो आता है तो बीच में उसको कर देंगे देखेंगे एज़ यूजल रिकॉर्डेड ही मिलेगा कौन सा लाइव है जो आपको मतलब वो है लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा कि जो टाइम रहे वो आपका न, मतलब जो यूजल जो टाइम रहेगा मतलब शुरू में रहेगा वही आपका अंत तक टाइम रहेगा लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जब हम लोग का बैच कम्पलीशन की ओर होगा यानी कि दो तीन हफ़्ते के बाद मैं एक प्रॉपर टाइम फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और वो मैं फिक्स कर दूंगा ठीक है वैसे भी अभी भी फिक्स रहेगा जब तक ये बात चलेगा वो टाइम भी आपका फिक्स रहेगा सो दैट आपको पता हो कब वीडियो आने वाली यानी आपको पूरा शेड्यूल पता होगा एफ का कि किस तरह से हम लोग मंडे टू सैटरडे चीज़ें करने वाले हैं एंड संडे के दिन हम लोग का एक वन शॉट वीडियो रहेगा जहाँ पर हम क्वेश्चन के थ्रू उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही फिनिश करने वाले हैं यानी वन वीक वन सब्जेक्ट के फिलसफी पर हम काम करेंगे तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए फुटबॉल पर आ जाते हैं जहाँ से हमने पिछले लेक्चर को एंड किया था कहाँ से एंड किया था हम लोगों ने ये देखा था कि फ़ुटबॉल का फर्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था कब हुआ था जरा कमेंट में बताइए और किसने जीता था ठीक है एंड फुटबॉल में और क्या कुछ हम लोगों ने देखा था फुटबॉल कहाँ फुटबॉल के मैक्सिमम वर्ल्ड कप किसने जीते जल्दी से ये दो फैक्ट बता दीजिए फिर हम स्टार्ट करते हैं ठीक है तो फर्स्ट वर्ल्ड कप किसने जीता था कहाँ पर हुआ था नाइनटीन यानी कि जब आपका फ़र्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तब वहीं पर आपका तब उसी साल जो है आपका ये फर्स्ट फ़ीफा का जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल वर्ल्ड कप वो खेला गया था और फीफा का हेड कोार्टर कहाँ कहा पर लोकेटेड है यूरोगवे में हुआ था ठीक है और यूरोगवे ने ही इसको जीता था मैक्सिमम वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो ये जीते हैं ब्राज़ील ने ठीक है मैक्सिमम वर्ल्ड कप किसने जीते हैं ब्राज़ील ने इज़ दैट क्लियर यहाँ तक अभी आ जाते हैं फुटबॉल पे अब फुटबॉल में कुछ आपको सबसे पहले तो डायमेंशन याद रखने होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपसे कुछ डायमेंशनस पूछ लेगा कि भाई जो आपका ये सेंटर सर्कल है इसका रेडियाई कितना है ठीक है रेडियस कितना है या फिर दो गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है या फिर जो आपका गोल होता है उसका हाइट कितना होता है उसका विथ्थ कितना होता है ठीक है जो आपकी पूरी पिच होती है उसकी लेंथ कितनी होती है उसकी विथ्थ कितनी होती है तो जो इंपॉर्टेंट है हैं तो बहुत सारे आप डायमेंशन देख सकते हो सारे आपको याद भी नहीं होंगे ठीक है अगर आप फुटबॉल खेलते रहे होगे तो भी नहीं याद होंगे ठीक है क्योंकि डायमेंशन कौन ही इतना याद करता है बस फुटबॉल हम खेल लेते हैं फुटबॉल भाई मेरा सबसे मतलब बोलते ना वो पसंदीदा पसंदीदा का जो उल्टा होता है वो है सबसे गेम ठीक है मेरे से कभी खेल ही नहीं गए फुटबॉल मतलब फुटबॉल का ऐसा हाल था कि भाई फुटबॉल में खेलने आते तो उसी में पैर पड़ जाता था डट डर लगता था भाई इसमें पैर पड़ गया तो गिर जाएंगे काफ़ी बार जो है हमारे गली मोहल्ले के बच्चे जो है फुटबॉल लेके कोशिश करते थे खेलने की वो लोग तो थोड़ा बहुत खेल भी लेते थे अब जैसे वो क्या होते थे बुलाने आते थे कि भाई चलो आओ खेलते हैं चल के ठीक है तो मैंने पहले ही पूछ लेता था क्या खेलोगे फुटबॉल के अगर बोलते तो बोलते भाई जाओ फुट फुटबॉल खेलो अपना मैं नहीं खेल रहा मैं सिर्फ क्रिकेट ठीक <laughs> है वैसे तो क्रिकेट ही खेलते थे लेकिन कभी कभी होता था ना कि फुटबॉल नई 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 कहीं से ले आए मिल गई है तो उसी को खेल रहे हैं तो फुटबॉल तो मेरे से कभी खेली ही नहीं और आप में से भी बहुत लो, कमी लोग ही लोग होंगे जिन्होंने फुटबॉल खेली होगी ठीक है खैर फुटबॉल की अगर बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हमारे डायमेंशनस होते हैं वो ये होते हैं कि भाई ये जो लेंथ है और ये जो वेथ एक तरह से हम बोल सकते हैं इसके डायमेंशनस कितने हैं तो डायमेंशन यार देखो फिक्स नहीं होते हैं इसके पूरी तरह से फिक्स नहीं होते हैं लेकिन हाँ एक जनरल चलता है कि भाई लेंथ जो होती है वो रफली आप मान के चलो 91 91 से लेके 120 मीटर्स तक इतना तक चलता है इन नाइन्टी से 120 ट्वेंटी इन जनरल अगर मैं बात करूँ एक नंबर अगर आपको याद रखना हो तो 105 मीटर याद रख सकते हो बिकॉज जनरली इतना ही लेंथ पे खेला जाता है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को अगर हम बात करें विथ्थ की यहाँ पे तो विथ वही आप रफली मान के चलिए कि 45 से लेके 91 वन जहाँ से लेंथ शुरू हो रही है वहाँ से विथ खत्म हो रही है बट एक जनरल अगर मैं आपको नंबर यहाँ पे प्लॉट करूँ तो दैट वुड बी रफली 68 मीटर्स इन जनरल जो फीफा वर्ल्ड कप वगैरह आप फील्ड्स में जो खेले जाते हैं वो इसी डायमेंशन पर वन मीटर और सिक्सटी मीटर या आप याद रख सकते हैं या तो रेंज याद रख लीजिए या फिर एक फिक्स नंबर याद रख लीजिए अगर फिक्स नंबर याद रखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन जो है आराम से एलिमिनेशन से हो जाएगा वैसे भी ज़्यादा लेंथ एंड विथ् इसी वजह से ज़्यादा नहीं पूछता है देन यहां पे जो आपको ये गोल दिख रहा है ना ये गोल पोस्ट इसका भी कभी कभी, कभी आपसे ये कभी कभी क्या Usually पूछ लेता है ठीक है इसको जो गोल बोलते हैं इसका लेंथ और हाइट कितना होता है या फिर लेंथ नहीं बोलना सही रहेगा इसको विथ ज्यादा स... बोलना सही रहेगा तो विथ और हाइट कितनी होती है बिकॉज यहां पे हम बात कर रहे हैं यहां पे हम बात कर रहे हैं कि भाई विथ कितनी होती है और इसकी हाइट कितनी होती है ठीक है विथ एंड हाइट तो यहां पे इसकी अगर विथ्थ की बात करें ध्यान रखिएगा विथ जो होती है दैट इज़ रफली 24 फोर फिट फिट में है ये ध्यान रखना वो मीटर में था ये फिट में है और अगर हम बात करें हाइट की ठीक है अगर हम बात करें हाइट की तो रफली 8 फिट जो है हाइट होती है गोल की ठीक है अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो होता है ये पेनल्टी एरिया होता है सॉरी सॉरी ये जो होता है आपका पेनल्टी एरिया होता है ये आपका गोल एरिया होता है एंड ये गोल होता है ये गोल होता है ये गोल एरिया होता है और ये पूरा पेनल्टी एरिया होता है ठीक है ये पूरा पेनल्टी एरिया होता है यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब पेनल्टी शूट आउट होता है अभी पेनल्टी शूट आउट क्या होता है अभी वो भी चलो डिस्कस कर ही लेते हैं पेनल्टी शूटआउट क्या होता है तो वही होता है यूजुअली ये है कि इसमें टोटल आपको पता होगा नंबर ऑफ़ प्लेयर्स वैसे तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स मैं लास्ट में समराइज करूँगा बट फिर भी चलो यहाँ पे देख लेते तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं इस गेम में इलेवन होते हैं तो जब भी 11 प्लेयर्स को पता है आ, खेलते हैं तो मतलब जब भी दोनों साइड से 11 प्लेयर्स खेलते हैं तो क्या होता है कभी कभी टाई भी हो जाता है आपने देखा है कि मान लो दोनों टीम्स में कोई ने कोई पॉइंट नहीं स्कोर किया एक एक पॉइंट स्कोर किया दोनों ने तीन तीन पॉइंट स्कोर किया नहीं कि जब यूजअली टाई हो जाता है तो टाई ब्रेकर होता है इन जनरल अगर मैं बात करूं 90 मिनट का खेल होता ही है इन जनरल जो है 90 मिनट का खेल होता है 45 45 मिनट्स के दो हाफ होते हैं यहाँ पे लेकिन अगर मान लेते हैं नब्बे मिनट का खेल होने के बाव इसके मतलब बावजूद भी अगर टाई हो जाता है टाई इन देंस दोनों पॉइंट दोनों टीम ने सेम नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर करके रखे हुए हैं तो इस केस में होता है आपका टाई टाई ब्रेकर टाई ब्रेकर में क्या होता है टाई ब्रेकर होता है आपका तीस मिनट का टाई ब्रेकर होता है तीस मिनट का और इस तीस मिनट में क्या होता है कि या तो जो भी पॉइंट जो भी टीम स्कोर करेगी ज़्यादा पॉइंट वो जो है आपका विनर हो जाएगी बट यहाँ पे दिक्कत यह है कि अगर मान लो कि ये भी टाई हो गया तो तीस मिनट में भी जो पंद्रह पंद्रह मिनट के दो हाफ में खेला जाता है टाई ब्रेकर अगर मान लो इसमें भी टाई हो गया तो देन आपका होता है पेनल्टी शूट आउट पेनल्टी शूट आउट में आपने देखा होगा पेनल्टी शूट आउट में आपने देखा होगा कि इस तरह से यहाँ पे आई थिंक पांच प्लेयर्स खड़े हो जाते हैं एंड यहाँ से बस एक को मारना होता है यहाँ से बस डिफेंडर आ जाते हैं यहाँ पे जो है आपके पांच इस तरह से डिफेंडर आ जाएंगे ठीक है और यहाँ से दूसरी टीम सामने वाली जो टीम है उसका बंदा यहाँ पर गोल कीपर तो रहेगा ही रहेगा उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपका गोल कीपर या फिर इसी को गोली भी बोल देते हैं गोल कीपर या फिर गोली तो ये क्या होगा यहाँ से गोली दागेगा यानी फुटबॉल दागेगा और अगर नहीं रोक पाए तो वही है कि फुटबॉल मतलब एक वो कंसिडर कर लिया जाएगा तो ये आपका जो पेनल्टी शूट आउट होता है इस तरह से पेनल्टी शूट आउट से देन डिसाइड किया जाता है कि भाई सारी चीज़ें कौन विनर होगा और यहाँ पे अगर हम बात करें इन जनरल ये तो चलिए हो गया ठीक है पेनल्टी शूट आउट की मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल जो है यहाँ पर जो आपके पोजिशन लेते हैं उनको बोलते हैं मिड फील्डर्स ठीक है इनको बोलते हैं मिड फील्डर्स ठीक है इनको बोलते हैं मिड फील्डर्स ऐसे यहाँ पर भी आपके मिड फील्डर्स होंगे ठीक है सॉरी यहाँ पे तो ठीक है यहाँ पे आपके मिडफील्डर हो जाएंगे और ये जो मिडफील्डर्स थोड़ा सा और आगे होने चाहिए ना क्योंकि फिर वो उनको जगह कहाँ पे मिलेगी जो डिफेंडर्स हैं हमारे ठीक है यहाँ पे आ जाएंगे आपके डिफेंडर्स ठीक है यहाँ पे आ जाएंगे आपके डिफेंडर्स ठीक है देन आगे आ जाएंगे आपके मिड फील्डर इस यहाँ पे कि कोई है जिसने मतलब थोड़े से हायर लेवल पे खेला फुटबॉल वगैरह ठीक है यहाँ पे आपके आ जाएंगे मिड फील्डर और यहाँ पे आ जाएंगे आपके स्ट्राइकर बीच में ठीक है यहाँ पे आ जाएंगे आपके स्ट्राइकर मतलब सेम उस साइड भी होगा यहाँ पे इसके स्ट्राइकर होंगे इस तरह से ठीक है तो यहाँ पे होंगे आपके स्ट्राइकर तो पाँच यहाँ पे होंगे आई थिंक mm, ठीक है तो तो पाँच चार ठीक है पाँच यहाँ पे हो गए चार यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं सो दैट ग्यारह का एकदम कंप्लीट हो जाए ठीक है पांच आपके डिफेंडर चार मिडफील्डर और दो स्ट्राइकर इस तरह से आपका जो है पूरा जो प्लेयर्स रहते हैं इसमें फुटबॉल में इस तरह से रहते हैं डिफेंडर रहते हैं मिडफील्डर रहते हैं और स्ट्राइकर रहते हैं ठीक है डमेंशन देख लिए हमने क्या क्या डमेंशन देखे वो लेंथ एंड ब्रथ वाला देखा गोल का देख लिया हमने नंबर ऑफ प्लेयर्स देख लिए एंड कभी कभी ये पूछ लेता है कि दो जो आपके गोल पोस्ट होते हैं ठीक है थीके? दो गोल पोस्ट्स के बीच की दूरी कितनी होती है तो इस दूरी को ध्यान रखना थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप है 7.32 मीटर ये आपको रटना पड़ेगा बिकॉज यहां से क्वेश्चन वो पूछ लेता है ठीक है कि कितना दो गोल पोस्ट के बीच में दूरी होती है तो 7.32 मीटर और रफली आप बोल सकते हो 24 फोर फिट फुटबॉल का अगर वेट पूछ ले तो वेट ऑफ फुटबॉल और एक ध्यान एक चीज ध्यान रखिएगा कि फुटबॉल को हम सॉकर के नाम से भी जानते हैं ठीक है फुटबॉल को हम सॉकर के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पर अगर हम वेट ऑफ फुटबॉल की बात करें कि फुटबॉल का वेट कितना होता है तो फुटबॉल का वेट होता है रफली चार से लेकर 460 ग्राम के बीच में इसका वेट रहता है फुटबॉल का फुटबॉल का पूछता है हॉकी का पूछता है और आई थिंक हैंडबॉल का पूछ लेता है और कभी कभी बिलियर्ड्स वाले का भी पूछ लेता है तो वो सारे हम देख लेंगे तो फुटबॉल का 410 से लेकर 460 ग्राम तक रफली इसका वेट होता है इसमें इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज़ की अगर बात करें ट्रॉफीज़ एंड कप्स की अगर बात करें फुटबॉल में तो कौन कौन सी होती हैं अगर हम इंडिया पर बात करें इंडिया में तो इंडिया में आपने नाम सुना होगा जैसे डूरंड कप है ना संतोष ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी रोवर्स कप ये इंडिया में आपके ठीक है ये इंडिया में है डरन कप संतोष ट्रॉफी रोवर्स कप अगर हम बात करें अक्रॉस वर्ल्ड, ठीक है अक्रॉस वर्ल्ड जो इंपॉर्टेंट आपके टूर्नामेंट्स होते हैं तो जैसे आपने सुना होगा पता नहीं सुना है कि नहीं हाँ ला लीग तो सबने सुना होगा ये हो सकता है ना सुना हो मेडिका कप ठीक है मेडिका कप होता है देन आपका सेजर अच्छा सेजर का मतलब क्या होता है कैंची इसमें कैंची भी चलती है जो लोग फुटबॉल वगैरह लो का देखते होंगे तो उन्हें पता होगा रोनाडो काफ़ी फेमस हैं उसके लिए कैंची मारने के लिए इसमें मतलब एकदम उछल के हवा में क्रॉस लेग पोजीशन करके एकदम फुटबॉल को हिट करना सो दैट एकदम सीधे गोल पे जाके वो हिट हो देखना आप सीजर सेज़र शॉट रोनाडो सर्च करके तो आपको दिखेगा ठीक है एकदम जैसे नहीं मुन्ना भैया कैंची बनवा देते थे वैसे ही कैंची बना के वैसे ही कैंची बना के जो है रोनाडो जी हमारे शॉट मारते हैं तो मेडिका कप हो गया सीजर कप हो गया और अगर हम बात करें आपका ला लीगा हो जाएगा इसमें ठीक है ला लीगा तो ये इंपॉर्टेंट आपके होते हैं कप्स इन, इन अक्रॉस दी वर्ल्ड तो इंडिया में आप देखने डूरेंट संतोष और रोवर्स और मेडिका कप सीजर्स कप और ला लीगा कभी कभी स्पोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ भी पूछ लेते हैं तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ तो भाई ये तो सबको पता होता है रोनाडो हाँ इनका देश वगैरह कभी कभी पूछ लेता है ठीक है तो आई थिंक सबको पता होगा इतना तो रोनाडो हो गया लियोनल मेसी हो गया नेमार जूनियर हो गए ठीक है नेमार जूनियर या फिर अगर कोई बहुत न्यूज़ में है तो पूछ लेगा जैसे फॉर एग्जांपल एटाना बॉन अब एटाना बॉन का क्यों पूछ सकता है बिकॉज़ ये जो है फीफा की तरफ से बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता इन्होंने दो में लियोनल मेसी को मिला और एटाना बौ... बॉन माटी को मिला तो रोनाडो की अगर बात करें तो पॉर्चुगल जहाँ से वास्को डिगामा आया था लियोनल मेसी अर्जेंटीना जिसने रिसेंट वर्ल्ड कप जीता था तीन बार वर्ल्ड कप जीता है नेमार जूनियर जो है ब्राज़ील से हैं ठीक है जहाँ से पहले हमारे बिलोंग करते हैं बहुत महान फुटबॉलर जिनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई थी एटाना बॉनमाटी की अगर बात करें तो ये फीमेल प्लेयर है स्पेन से बिलोंग करती हैं ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना ये तो हो गया अक्रॉस वर्ल्ड बाकी अगर हम इंडिया में बात कर लें तो इंडिया में आपने नाम सुना होगा भी रिसेंटली सुनील छेत्री जी का है ना और वाई भूटिया का ठीक है वाई भूटिया का नाम आपने सुना होगा और 2020 में ही रिसेंटली डेथ हुई थी पी के बनर्जी की ठीक है प्रदीप कुमार बनर्जी की काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब प्लेयर है हमारे जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मेजर ध्यानचंद कंसीडर किए जाते हैं इंडिया में हॉकी के लिए वैसे ही आप इंडिया में जैसे मतलब जैसे कि ब्राज़ील के लिए उनके लिए पहले है तो वैसे हमारे लिए पी के बनर्जी जी हैं ठीक है ठीके? पी के बनर्जी ठीक है अक्रॉस दी वर्ल्ड तो उतना नाम नहीं होगा पी के बनर्जी का बिकॉज हमने कभी उतना ध्यान ही नहीं दिया अगर हम देखें फुटबॉल को ठीक है और ये हमारी एक वही डाउन साइड है कि हम बहुत ज़्यादा सिर्फ कुछ स्पोर्ट्स ऑफिसट हैं और वो कुछ स्पोर्ट्स में तो एक और स्पोर्ट्स सबसे टॉप पे आता है दैट इज़ क्रिकेट है ना क्रिकेट का मतलब इतना सब हो गया आई वगैरह लेकिन अभी मैं आपसे पूछ लूँ ये सवाल तो आप में से कुछ ही कुछ ही लोग आंसर कर पाएंगे कि मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि इंडिया के फीफा में पोजीशन कितनी है अभी वैसे तो ठीक है चेंज होती रहती तो रटने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी इन या फिर चलो वो छोड़ो मैं आपसे अगर पूछ लूँ कि भाई सुमित नागल ने सुमित नागल ने अभी किस वर्ल्ड नंबर ट्वेंटी एट प्लेयर को हराया था अभी जो मॉन्टे कार्लो ओपन हुआ था तो आप में से बहुत लोग नहीं पता अरे वो छोड़ो सुमित नागल का नाम ही आप में से काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा अभी तक ठीक है तो इन्होंने मतलब भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मतलब कि पूरे फीफा रैंकिंग में 80 नंबर पे भी अब पहुँच चुके हैं जो कि आई थिंक कुछ ही प्लेयर्स होंगे जिन्हें सिंगल्स में रैंकिंग मिली है एक तो हमारे जिनको अभी हॉल ऑफ फेम में विजय अमृत राज जी उन्होंने अचीव करी और आई थिंक उनके बाद सुमित नागल ही हैं ठीक है थीके? तो ये है हमारा हाल कि हम मतलब <laughs> हाँ उसके कुछ लोगों के पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं भाई काफ़ी लोगों का पैसा लगा होता है पूरा का पूरा उनतीस रुपया या फिर जितना भी उनचास रुपया जितना ड्रीम इलेवन पे लगा रहता है पैसा ठीक है तो उसके लिए भी थोड़ा सा देखते हैं <laughs> लेकिन मेन यही है कि हमें बाकी स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं रहता है तो पी के बनर्जी जो है पहले इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे फुटबॉल में और बाद में इंडिया के इंडियन नेशनल टीम के कोच भी बन गए थे पी तो के बनर्जी जी ठीक है तो यहाँ तक आई होप किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे कोई यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो नहीं डिलीवर किया सिर्फ एक्चुअली चीज़ें थी सर राइटिंग थोड़ा साफ़ लिखो क्या समझ में नहीं है वैसे चलो मैं कोशिश करूंगा और साफ लिख दूं डूरंड लिखा हुआ संतोष लिखा हुआ रोवर्स लिखा हुआ पी बनर्जी मेडिका कप लिखा हुआ सेजर लिखा हुआ लाल लीगा लिखा हुआ पॉचुगल अर्जेंटीना ब्राज़ील अभी मुझे लगता है कि आपको स्पेलिंग पता होंगी तो इसलिए मैंने नहीं लिखा ठीक है ऑडंग से लिख देंगे सर मेरी वाली भी बहुत बड़ी खिलाड़ी थी शरद एस अच्छा कौन सा खेल खेलती थी चालीस रुपये भेज भी तुमने इसलिए भेजे हैं ठीक हाँ, है आदित्य रोकना जी लिख देंगे साहब कहे स्पैम किए पड़े हो <coughs> चलो भाई तो आगे बढ़े हम्म हम्म सर सर गेहूँ काट कर आया हूँ अभी अच्छा अरे भाई अस्सी रुपए गए किसके अस्सी रुपए गए भाई सरक्चर सर आपका सर पेनल्टी शूट आउट पेनल्टी शूट आउट में क्या क्या वत, पेनल्टी शूटआउट में मैंने बताया पेनल्टी शूट आउट में मैंने क्या बताया ये तो बताया कि मतलब जब मैंने यही बताया ना कि जब टाई हो जाता है तो टाई ब्रेकर होता है आपका तीस मिनट का होता है पेनल्टी शूट आउट में आपको अच्छा मैंने ये तो गलती से ये अच्छा 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 सॉरी 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 मैंने आई थिंक ये बता दिया कि यहाँ पे पाँच होते हैं सॉरी पांच इसमें शॉट्स मिलते हैं हम रियली सॉरी पांच थोड़ी ना खड़े होंगे यार नहीं तो गोल कौन ही कर पाएगा यहाँ पांच खड़े हो जाएंगे तो ठीक है पांच शॉट्स मिलते हैं यहाँ पे जो भी प्लेयर दूसरी टीम का आता है यहाँ पे गोल होगा दैट इज़ गोल खड़ा होगा यहाँ पे ठीक है यहाँ पे आपका बॉल रखी जाएगी ठीक है इस पॉइंट पे एंड यहाँ पे आपका गोल ही होगा गोल कीपर होगा और यहाँ पे आपको क्या करना होता है देन शूट आउट लेने थे पेनल्टी शूट आउट पाँच आपको मिलते हैं ये टोटल ठीक है पाँच मिलते हैं जैसे वो उसमें नहीं होता क्रिकेट में होता है हमारा सुपर ओवर होता है सुपर ओवर में तो खैर वो होने लगा अभी लेकिन एक बार आपको याद हो इंडिया वर्सेज़ पाकिस्तान हुआ था याद है आपको जब मतलब इंडिया जीत गया तो उसमें बस आपको सीधे मारना था विकेट मतलब सीधे स्टंप को हिट करना था वीरदर सहवाग हरभजन सिंह ये सब आई थिंक रॉबिन उथप्पा ये सब लोग आए थे तो हमारे लग गए थे दो तो तीन पाकिस्तान के एक भी नहीं लग पाए थे तो उसी तरह है काइंड ऑफ कि यहाँ पर आपको पाँच बार पाँच शॉट्स मिलते हैं और पाँच शॉट्स में जितना आप यहाँ पर स्कोर कर पाएँ ठीक है और जब तक कि डिसाइड नहीं हो जाता तब तक कि पाँच पाँच वाला राउंड चलता रहता ठीक है चलिए तो अभी आते हैं हॉकी पे हॉकी पे आते हैं तो हॉकी इंडिया का नेशनल गेम नहीं है पहली बात तो पता होना चाहिए मतलब कोई हम बोल देते हैं ठीक है बचपन से पढ़ते भी हैं बट ऑफिशियल तौर से ऐसा हॉकी नेशनल गेम नहीं है पाकिस्तान का भी जैसे हमारे तरह से अनऑफिशियल नेशनल गेम है उसी तरह हॉकी वहाँ का भी मतलब जैसे इंडिया में है तो वैसे पाकिस्तान में भी एक तरह का अनऑफिशियल टाइप का ही है नेशनल गेम है यहाँ पे भी आपको कुछ डायमेंशन पता होने चाहिए जैसे कि गोल पोस्ट हो गया और जो ग्राउंड हो गया ठीक है तो पहले तो अगर हम ग्राउंड की बात कर लें तो इसके थोड़ा काइंड ऑफ़ फिक्सड होते हैं तो इसमें बहुत वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा जैसे मैंने आपको फुटबॉल में बताया था कि भाई इतने से लेकर इतना तक होता है आई थिंक लेंथ मैंने आपको नाइन्टी से वन बताई तो उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता इसमें नाइनटी मीटर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिखा भी हुआ नाइन्टीन नाइन्टी मीटर और ये देखोगे तो आपको 55 मीटर देखने को मिलेगी जो विथ है ठीक है तो ये हो जाएगी आपकी लेंथ ठीक है ये हो जाएगी लेंथ और बात करें अगर व्रथ की तो विथ हो जाएगी आपकी रफली ठीक है कभी कभी पचास मीटर भी कहीं देखने को मिलेगा बावन मीटर भी लेकिन ठीक है पचपन मीटर ही याद रखना ठीक है लेंथ होती है आपकी 91.44 मीटर और जो ब्रेथ होती है आपकी दैट इज़ 55 मीटर तो ये लोग लेंथ और ब्रेथ की अब बात कर लेते हैं किसकी अब बात कर लें और एक चीज़ एक चीज़ एक चीज़ एक चीज़ ये चीज़ ध्यान रखना ये रेडियस मैंने आपको आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखवाई है रेडियस इसके लगभग दस यार्ड होती है ठीक है ध्यान रखना नाइन पॉइंट वन फाइव मीटर समथिंग होती है नाइन पॉइंट वन फाइव मीटर ठीक है नाइन पॉइंट वन फाइव मीटर ये ध्यान रखना ये होती है क्लियर इतनी चीज़ चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा ग्राउंड का देख लिया अभी देख लेते हैं इसका जो गोल पोस्ट होता है ठीक है इसका जो गोल पोस्ट होता है उसकी कितने उसके क्या डायमेंशनस होते हैं तो जो गोल पोस्ट होता है उसकी हाइट एंड उसका वही वेथ तो हाइट की अगर बात करें तो रफली 2.14 मीटर यहाँ पे आ जाएगा आ, ठीक है ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ठीक है 2.1 देखो यहाँ यार बहुत सारे डायमेंशन आपके लिखे हुए हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से लिखा हुआ है कि ये जो लाइन होती है ना ये वाली ये वाली जो लाइन होती है इसको गोल लाइन बोलते हैं आपको पता होगा जब फुटबॉल इसके अंदर घुस जाती है पूरी तरह से तभी गोल कंसीडर किया जाता है ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टच कर गई है ना जैसे हमारी क्रिकेट में बाउंड्री लाइन पर जरा सा टच कर गई तो मान लिया था नहीं इसमें आपको पूरा डालना मतलब फुटबॉल को डालना होता है ठीक है तो तब आपका गोल को कंसीडर किया जाता है ये गोल लाइन होती है ठीक है और ये आपकी पेनल्टी लाइन होती है तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि कितना डिस्टेंस होता है गोल लाइन के बीच में और जो पेनल्टी लाइन है उसके बीच में तो आप देख सकते हैं ग्यारह प्लस साढ़े पाँच यानी कि साढ़े सोलह मीटर की डिस्टेंस होती है गोल लाइन और पेनल्टी लाइन के बीच में ये थोड़ा सा डायमेंशन ये भी आप याद कर सकते हैं बाकी तो और मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे डायमेंशन याद रखने की ज़रूरत है आ भी जाएगा तो आपको एग्जाम तक याद रहने वाला नहीं है ठीक है कि कितना ही पढ़ोगे ठीक है तो ये जो लेंथ ब्रेथ वाला हो गया थोड़ा सा इसका जो ये सेंटर सर्कल uh, होता है तो 9.15 मीटर का इसका रेडियस होता है ये पता होना चाहिए और गोल पोस्ट के जो डायमेंशन वो मैंने बताया वो पता होना चाहिए एंड ये गोल लाइन और जो पेनल्टी लाइन है इसके बीच का जो वो आप डिस्टेंस है उसको कंसिडर कर सकते हैं ठीक है थीके? और ये भी जो होता है ना ये ये भी रफली uh, 11 मीटर का ही होता है ठीक है ये भी जो आपका गोल लाइन से लेके जो पेनल्टी uh, ये पॉइंट है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो स्पॉट लगा हुआ पेनल्टी स्पॉट तो इसमें भी रफली 11 मीटर का ही डिस्टेंस होता है यहाँ पे ठीक है तो अभी आ जाते हैं हॉकी पे मैंने हाइट आपको बता दी टू 2.14 मीटर और अगर लेंथ की बात कर लें यहाँ पर जो लंबाई होती है ठीक है लंबा है <laughs> गोल पोस्ट लंबा है थ्री मीटर की ये लंबाई होती है और हाइट होती है यहाँ पर टू मीटर की यहाँ पे अगर बॉल की बात करें बॉल का कितना वेट होता है इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं आपके तो बॉल का वेट रफली कोई फिक्स नहीं होता 156 से लेके और फिक्स आपसे पूछता भी नहीं है इसी रेंज ही आपसे पूछी जाती है तो 156 से लेके एक ग्राम और एक्जैक्टली पता होना चाहिए एक्जैक्टली पता होना चाहिए, चाहिए। बिकॉज एक्जैक्ट पूछता है क्योंकि ऑप्शन इस तरह से वो डिज़ाइन करता है कि अगर आपको थोड़ा सा इधर ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ग्राउंड की डायमेंशन हो गई और उसकी डायमेंशन हो गई ये सारी चीज़ें हो गई अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि गेम टाइम कितना होता है और यहाँ पे अंपायर के क्या सिग्नल्स होते हैं तो गेम टाइम जो होता है ना पहले यूजली हुआ करता था ये आ, सत्तर मिनट का है ना सत्तर मिनट का हुआ करता था बट अभी जो है गेम टाइम वो साठ मिनट का हो चुका है पहले होता था अर्लियर इट यूज टू बी 70 मिनट्स का 30 ठीक है अर्लियर होता था ये आपका 70 मिनट्स का लेकिन अभी 30 सॉरी 30 नहीं है पाँच पंद्रह में होता ही ठीक है मतलब 15 इन देंस चार होते हैं यहाँ पे 15 मिनट 15 मिनट छोटा तो सा ब्रेक होगा देन पंद्रह मिनट देन पंद्रह मिनट यानी पंद्रह मिनट पंद्रह 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 के चार ब्लॉक्स में खेला जाता है इसको साठ मिनट का टोटल ये गेम होता है पहले सत्तर होता था लेकिन अभी साठ का है प्लेयर्स इसमें भी सर एंड मैम इलेवन ही होंगे जितने आपके फुटबॉल में होते हैं जितने आपके क्रिकेट में होते हैं उतने ही आपके हॉकी में भी होते हैं लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा हॉकी फाइव वो अलग होता है हॉकी फ़ाइव ऐसा आपका अलग होता है और वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो प्लेयर्स होते हैं वो पांच होते हैं और उसका भी एक वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज हुआ था पहला ठीक है और एक चीज़ जैसे इसमें तो सब्सटीट्यूट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर इसमें कभी पूछ ले कि इसमें नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स कितने अलाउड होते हैं सब्सटीट्यूट्स अलाउड इन फुटबॉल अलाउड इन फुटबॉल तो सब्सट्यूट कितने अलाउड होते हैं यहाँ पे तो सब्सिट्यूट्स की अगर बात करें तो रफली आपके तीन इसमें सब्सिट्यूट अलाउड होते हैं किसमें फ़ुटबॉल में प्लेयर्स आपके ग्यारह हो गए गेम टाइम और कुछ इसमें और तो इसमें और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद अब साइंस पे आते हैं तो साइंस क्या होते हैं आपसे इस पर भी क्वेश्चन बने कि जो अंपायर जो डिफरेंट तरह के सिग्नल्स यहाँ पे देता है तो उसका मतलब क्या होता है फ्री हिट जैसे कि आपका उसमें होता है क्रिकेट में उसी तरह फ्री हिट होता है ठीक है ये वाइड का सिंबल होता है क्रिकेट में लेकिन ये सब आपको याद नहीं रखना है अब जो याद रखने उस पर मैं सर्कल बना देता हूँ पेनल्टी कॉर्नर याद रखना है बता देता हूँ क्या है वो तो वैसे तो आप दिख भी रहा आपको गोल स्कोर पता होना चाहिए थर्ड पार्टी ऑब्स्ट्रक्शन पता होना चाहिए एंड ऑब्स्ट्रक्शन देखिए ऑब्स्ट्रक्शन तो बड़ा आसान है क्रॉस हैंड्स ऑब्स्ट्रक्शन है क्रॉस हैंड्स और ऊपर की तरफ नहीं क्रॉस हैंड्स ऊपर की तरफ नहीं पेनल्टी स्ट्रोक पेनल्टी स्ट्रोक अलग होता है पेनल्टी कॉर्नर अलग होता है ध्यान रखिएगा और थर्ड पार्टी ऑप्श्रक्शन है फिर ऑप्सक्शन में क्या होता है क्रॉस होंगे आपके हैंड्स और देख लीजिए किस तरह से क्रॉस्ड हैं अब इसमें मैं क्या ही आपको बताऊँ आप समझ पा रहे होंगे मतलब कि जो चेस्ट है वहाँ पर लगाने आपको अगर आप ऊपर की तरफ क्रॉस्ड हैंड्स हैं तो दैट मीन्स पेनल्टी स्ट्रोक और अगर आप ये जो आपके दोनों हाथ हैं ये अगर आप पॉइंट कर रहे हैं गोल की तरफ गोल की तरफ यहाँ पे यहाँ की तरफ आप पोस्ट कर रहे हैं यहाँ की तरफ दैट मीन्स कि पेनल्टी कॉर्नर लेकिन अगर गोल हुआ है ना तो अगर गोल हुआ है तो ये सेंटर ऑफ द फील्ड की तरफ पॉइंट करता है अब यहां पे यही तो डिफरेंस है बिकॉज अगर हम देखें गोल कोड और पेनल्टी uh, कॉर्नर में हमें ज्यादा खासा कोई डिफरेंस लग नहीं रहा है तो फिर डिफरेंस है क्या डिफरेंस है आपका कि जो गोल कोड होता है उसमें दोनों हाथों को सेंटर ऑफ द फील्ड की तरफ ठीक है सेंटर ऑफ फील्ड की तरफ पॉइंट करता है ठीक है सेंटर ऑफ फील्ड और यहां अगर बात करें पेनल्टी कॉर्नर में तो टूवर्ड्स द गोल ठीक है टी गोल यानी गोल में जब होता है तो गोल की तरफ नहीं पॉइंट करता है जब पेनल्टी uh, कॉर्नर होता है तब तो वो पॉइंट आउट करता है ठीक है तो अगर आप ये तीन भी याद रखोगे तो भी आपका काम यहाँ से आसानी से हो जाएगा ठीक है अच्छा यहाँ पे आपके डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड पर्टिकुलर अगर हम बात करें जैसे uh, हॉकी से जैसे कि एस्टोटफ जिसमें खेला जाता है उसको एक तरह की जो ग्रास uh, होती है ना उसको बोलते हैं एस्टोटफ जिस ग्रास में इसको खेला जाता है ठीक है ड्रिबल जो नहीं ड्रिबल का मतलब होता है कि हल्के हल्के बॉल को ऐसे 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 खट 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 नहीं आपने देखा होगा कि आ, मतलब बहुत ही आराम से उसको हॉकी का, का यूज करके हॉकी स्टिक का यूज़ करके आराम 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 से आप ड्रिबल करते जा रहे हो धीरे धीरे रेंग बॉल को जैसे नहीं रेंग रही है बॉल तो बॉल को रेंगवाते हुए आप लेके जा रहे हैं आगे तक दैट इज कॉल्ड इज ड्रिबल हॉकी के दो साइड्स आपने देखे होंगे जो हॉकी स्टिक होती है हॉकी स्टिक होती है आपने देखा होगा अगर आपने हॉकी स्टिक देखी होगी तो एक साइड जो होता है फ्लैट होता है और एक साइड कर्व्ड होता है तो आप कर्व्ड साइड से कभी ड्रिबल नहीं कर सकते फिर खेल ही नहीं सकते हो कर्व साइड से आपको जो फ्लैट साइड होता है उससे खेलना होता है बहुत सारे रूल्स होते हैं कि आप जैसे कि आप स्कूप मार सकते हो स्कूप मार सकते हो स्कूप मतलब होता है कि आप प्लेयर के ऊपर से मार सकते हो आप प्लेयर के ऊपर से मार सकते हो लेकिन इन जनरल आप प्लेयर के नी के अबव नहीं खेल सकते हो समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूं यानी कि मान लो ये प्लेयर है ये प्लेयर है तो ये इसके नीचे नीचे खेल सकता है नी लेवल के ऊपर नहीं खेल सकता है क्योंकि मेन ये वो होता है लॉजिक इसके पीछे कि, कि किसी को बॉल ना लगे लेकिन स्कूप किया जा सकता है एकदम सिर के ऊपर से आप मार दो ठीक है और पचास मीटर के डिस्टेंस पे सच कोई मतलब आई थिंक सॉरी पाँच मीटर के डिस्टेंस पे ऐसा ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसके लग जाए पाँच मीटर पे तो ये होता है कि आपको वहाँ पे जो है स्कूप मार सकते हैं एकदम उछाल के बॉल को मार सकते हैं अगर आपको मारना ही है तो एकदम नियरेस्ट पाँच मीटर के रेडियस में आपका कोई नहीं होना चाहिए प्लेयर तो ये होता है आपका स्कूप हो गया ड्रिबल मैंने आपको दिया, बता दिया एस्टोटफ बता दिया ठीक है यही इंपॉर्टेंट आपके ये टर्म्स होते हैं इससे एसोसिएटेड अंपायर के मैंने सिग्नल सी बता दिए अच्छा इसमें कार्ड्स भी होते हैं कार्ड्स क्या होते हैं तो इसमें तीन तरह के कार्ड्स दिखाए जाते हैं जैसे कि येलो कार्ड दिखाया जाता है इसमें पहले तो ग्रीन होता है ठीक है येलो तो स्टार्ट होता है उसमें बैडमिंटन उसमें हम देखेंगे येलो होता है उसमें बैडमिंटन में देन रेड होता है देन ब्लैक होता है यहां पे सबसे पहले तो ग्रीन कार्ड दिया जाता है ग्रीन कार्ड होगा येलो कार्ड होगा एंड देन ग्रीन हो गया येलो हो गया देन इसके बाद हो जाएगा आपका रेड ठीक है ब्लैक कार्ड नहीं होता है ब्लैक कार्ड होता है बैडमिंटन में हम देखेंगे बी से ब्लैक बी से बैडमिंटन ठीक है तो ग्रीन कार्ड में मतलब ये होता है कि आपको रफली पांच मिनट के लिए जो है बाहर निकलना पड़ेगा अभी ठीक है पाँच मिनट के लिए येलो मेट येलो कार्ड के मैक्सिमम यहाँ पे आपको दस मिनट के लिए बाहर निकलना पड़ेगा मैक्सिमम हो सकता है कि आपको जो रेफरी है वो अलाउ कर दे कि ठीक है कोई नहीं आप आठ मिनट के लिए तो वो चीज़ जब कार्ड में लिख देता आपने देखा होगा जब कार्ड दिखाता है तो उससे पहले कुछ लिखता है उसमें वो वो यही लिखता है कि आपको कितने मिनट के लिए बाहर किया जा रहा है ठीक है और रेड कार्ड की अगर बात करें तो रफली आप ये मान के चलो कि आप गेम से आउट ही हो आप यही मान लो आप ठीक है कि आप गेम से अब निकल चुके हो तो ग्रीन का मतलब हो गया पाँच मिनट के लिए बाहर येलो का मतलब है दस मिनट के लिए बाहर और रेड का मतलब है आप सीधे आउट हो गया हो गेम से और गेम होता कितना दस मिनट का होता है तो गेम में अगर आप पाँच मिनट बाहर हैं तो डैट मीन्स और आप इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है ठीक है किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो तो फिर हम आगे बढ़ें हॉकी फाइव है अब हॉकी वर्ल्ड कप के पहले बात कर लेते हैं ठीक है हॉकी वर्ल्ड कप की ठीक है अभी रुक जाना डाउट अगर किसी का हो तो अभी नहीं ठीक है रुक जाना अभी हॉकी वर्ल्ड कप की पहले बात कर ले तो, तो हॉकी वर्ल्ड कप की जो शुरुआत होती है वो नाइनटीन सेवेंटी से होती है पाकिस्तान थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि स्टार्ट इन सेंस लिया कि जो इसका ट्रॉफी वगैरह सब डिज़ाइन किया ना वो पाकिस्तान ने डिज़ाइन किया था हॉकी का और जो पहला वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान ने ही जीता था और सबसे ज़्यादा मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स भी पाकिस्तान ने ही जीता इसको चार बार मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ठीक है इसने सॉरी पाँच नहीं चार बार जीता इसने पाकिस्तान ने पहली बार जीता था और 19 पहले ये बाई इनियल इवेंट हुआ करता था 1971 के बाद 1973 में हुआ था देन 1975 में जो हुआ था वो इंडिया ने जीता था एंड इट वॉज दी ओनली टाइम इंडिया वोन ठीक है हम एक ही बार जीते थे हाँ जो पहला वाला हुआ था उसमें हम थर्ड पोजीशन पे थे जो दूसरा वाला हुआ था उसमें सेकंड पोजीशन पे थे स्पेन ने जीता था ये और 1975 में हमने फाइनली जीता था पाकिस्तान ने भी जो पिछली बार जीता था वो 1994 में जीता था तो उसने भी मतलब आप ये मान लो कि रफली उनतीस तीस साल से उसने भी कोई नहीं जीता अभी जो कंट्रीज़ रूल कर रही हैं बैडमिंटन के वर्ल्ड सॉरी हॉकी के वर्ल्ड कप्स में वो है दो मेन बेल्जियम तीन कम बोल सकते हैं बेल्जियम जर्मनी और नदरलैंडस ये तीन अच्छे से रूल कर रही हैं इस समय जो हॉकी का वर्ल्ड कप चल रहा है पिच और सबसे ज़्यादा बार हॉकी का वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला कंट्री इंडिया है मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स होस्ट किया ठीक है मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स होस्ट किया है इंडिया ने कितनी बार होस्ट किया है चार बार सबसे पहली बार दिल्ली में देन मुंबई में देन उसके बाद हमने लगातार अभी जो पिछले दो हुए हैं पिछले दो मतलब है 2022 वाला जो कि 2023 में हुआ और 2018 वाला तो जो पिछले दो हुए हैं वो इंडिया में हुए और इंडिया की सिटी कलिंग भुवनेश्वर कलिंग और भुवनेश्वर में हुए हैं यानी उड़ीसा में हुए हैं दोनों दोनों ही उड़ीसा में हुए हैं और पिछला वाला जीता किसने जल्दी से बताइए एंड देन इसी की तरह ही हॉकी फाइव एस का स्पोर्ट होता है हॉकी फाइव एस आप इसको कंपेयर कर सकते हैं टी ट्वेंटी से जैसे कि क्रिकेट में टी ट्वेंटी आपने सुना होगा टी ट्वेंटी में क्या होता है इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट जहां पे पचास ओवर का ओडीआई होता है ठीक है उसी तरह और हम आज क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कुछ जो इक्का दुक्का क्रिकेट एसोसिएटेड टर्म्स हैं जैसे कि टेस्ट मैच में पंद्रह ओवर घंटे के हिसाब से रेट के हिसाब से आपके बॉलिंग करवाई जानी चाहिए नब्बे ओवर जो है मिनिमम पढ़ने चाहिए तो वो सारी चीज़ें हम जब क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे तो टी ट्वेंटी होता है उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो अब इसमें होता क्या इसमें हम टाइम को ड्यूरेशन को नहीं कम करते यहाँ पे ओवर तो होते नहीं है तो हम नंबर ऑफ प्लेयर्स को कम कर देते हैं हम पाँच प्लेयर को रखते हैं इसमें कि, कितने प्लेयर्स को रखते हैं पाँच प्लेयर इंक्लूडिंग दी गोल और चार इसमें आपको सब्सिट्यूट्स अलाउड होते हैं चार सब्सिट्यूट्स अलाउड होते हैं इसका पहला वर्ल्ड कप हुआ मस्कट ओमान में और ये दोनों जो है जीते नैदरलैंड ने दोनों मतलब मेन का और वेमेन का हमारी विमेन्स टीम फाइनल्स में पहुंची थी यानी फाइनल्स में नीदरलैंड से हारना पड़ा मेन्स तो खैर सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए थे लेकिन हाँ मेन की जो टीम है उसने ओलंपिक में मेडल लेके आए थे हमारे लिए जो पिछला वाला ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक से और बाकी हम ये देख ही चुके हैं कि हॉकी वर्ल्ड कप में भले इंडिया का रूल ना रहा हो लेकिन अगर हम बात करें ओलंपिक्स में ओलंपिक्स में हॉकी में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था हमने देखा भी था कि हमने कितने मेडल लाए थे अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा था कि 1928 से लेके 1956 तक हम कितने जरा बताइए कितने मेडल लाए थे बैक बैक टू तो आप इसको ये मत कंसीडर करिएगा अच्छा 1928 में लाए थे बत्तीस में लाए थे क्योंकि दो साल तो हुआ नहीं था दो साल तो चालीस सौ चालीस में हुआ नहीं था टोटल छः तो गोल्ड मेडल यहां पर लेके आए प्लस आपको पता है इसके बाद हम दो और गोल्ड मेडल लेके आए टोटल हमारी जो टीम है वो आठ गोल्ड मेडल लेके आई कितने आठ बिकॉज इसके बीच में और ये जो हमारा आठवां गोल्ड मेडल आया था वो 1980 में लास्ट आया था बिकॉज बीच में दो तो हमें ब्रॉन्ज रिसीव हुए एक में तो कोई हमें रिसीव नहीं हुआ हम सेवेंथ पोजीशन पे फिनिश किए और दो हमें गोल्ड रिसीव हुए तो छः हमने बैक टू बैक जीते उन्नीस से लेकर छप्पन तक एंड उसके बाद दो जीते तो आठ गोल्ड मेडल हमारे पास टोटल हो गए हैं हॉकी टीम ने जो जीते हैं ओलंपिक्स में क्लियर इतनी चीज यहां तक सभी को और ये हुआ कहाँ था हॉकी फाइव फेस्ट वर्ल्ड कप ये मस्कट जो कि ओमान की कैपिटल है वहां पे हुआ था अब यहां तक किसी को कोई डाउट हाँ जी दो इयर्स के गैप के बाद पहले हुआ हुआ था बाई इनियल इवेंट था जो ठीक है पहले अभी तो चार साल के बाद ही होता है सर <laughs> इसमें कोई लिमिट नहीं होती ना ना तभी मैंने नहीं बताया यहाँ पे ठीक है जो हॉकी होता है इसमें कोई लिमिट नहीं होती सब्सिट्यूट की ठीक है ध्यान रखना यहाँ पे सब्सटीट्यूट्स में नो लिमिट ठीक है वहाँ पे होता है कि तीन हो सकते हैं फुटबॉल में बट यहाँ पे नो लिमिट लेकिन हॉकी फाइव इसमें आपकी लिमिट होती है चार सब्सिट्यूट्स की ठीक है और किसी का कोई डाउट अगला वाला अगला वाला ये आई थिंक इफ नॉट रॉन्ग ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जो अगला वाला है ये बेल्जियम और नैदरलैंड पर खेला जाएगा काफ़ी सारी सिटीज़ हैं नॉट कंट्रीज़ तो जो 2026 में होगा ठीक है 2026 जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा ठीक है जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा ये आपका बेल्जियम एंड नदरलैंड में होगा ठीक है बेल्जियम प्लस नदरलैंड पिछले वाले जो दो हुए थे वो इंडिया में ही हुए थे ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ें अभी अगर परमिशन हो आपकी तो सर ये वीडियो हाइट हो जाएगा क्या हाँ जी सर आप ट्रॉफ़ीज़ हाँ ट्रॉफीज इसमें करवानी ठीक है ट्रॉफीज़ करवा देते हैं बिफोर प्रोसीडिंग्स किससे वो बढ़ता है कंट्रोल एम होता है वो हाँ कंट्रोल एम ही होता है देखो स्लाइड ऐड हो गई ना चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं ट्रॉफीज़ पे कंट्रोल एम कहाँ गैब हो गया गायब क्यों जाता है यार ऐसे ही ऐड करना पड़ेगा रुको एक सेकंड रुकना ठीक है ट्रॉफ़ीज़ इसके इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस आए हैं अभी ठीक है जैसे सी जीडी का भी एग्ज़ाम हुआ है अभी उसमें भी क्वेश्चन आए हैं तो ट्रॉफ़ीज़ यहाँ पे कर लेते हैं ट्रॉफ़ीज़ कौन कौन सी होती हैं इन इंडिया एंड अक्रॉस दी वर्ल्ड तो देखो इसमें सबसे पहले तो आप नेहरू ट्रॉफी याद रखना Not that much important. ठीक है थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत नहीं जितने की आपकी आगा खा ट्रॉफी आगा खा कप असोसिए इम्पॉर्टेंट है आगा खा कप रंगा स्वामी कप रंगा स्वामी कप अभी तो राइटिंग समझ में आ रही है ना मलेशिया में दो इम्पॉर्टेंट कप्स होते हैं कौन से सुल्तान अजलान शाह सुल्तान अजलान शाह कप एंड एक होता है आपका सुल्तान की तरह होता है सुल्तान अजलान शाह होता है, और एक होता है क्या नाम है इसका सुल्तान अजलान शाह और सुल्तान ऑफ जौहर कप ठीक है सुल्तान जौहर कप जौहर कप ये दोनों ध्यान रखना मलेशिया में होस किया था बिकॉज़ मलेशिया के जो सुल्तान थे उनको बड़ा अच्छा लगता था ये देखना क्या ये जो आपका हॉकी का ये मतलब जो होते हैं ठीक है दोनों मतलब हॉकी देखना बड़ा अच्छा लगता है तो उन्हीं के नाम पे ही मलेशिया में कंडक्ट मलेशिया के जरा कॉमेंट में बताएंगे कैपिटल क्या है तो मलेशिया में ये होते हैं दोनों आपके और इसमें एक होता है बेगम रसूल करके भी होता है बेगम रसूल कप ठीक है बेगम रसूल कप या फिर बेगम रसूल ट्रॉफी मुरुगप्पा कप ठीक है मुरुगप्पा कप जिसको हम पूरी तरह से बोलते हैं मुरुगप्पा गोल्ड कप और क्या हो गया मेहरू हो गया खा रंगा सब में सुल्तान विलिंगटन बच्चा आपका ठीक है विलिंगटन विलिंगटन ट्रॉफी और एक महाराजा जी के नाम पे थी क्या नाम था उसका महाराजा रंजीत सिंह ठीक है महाराजा रंजीत सिंह कोई बताएगा महाराजा रंजीत सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन करी थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन करी थी ब्रिटिशर्स के साथ ऑप्शन दें आपको 1826, 1836, 1846, 1856 बताइए तो ये है हमारी सारी ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद दॉ हॉकी तो के साथ हॉकी के लिए आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है ठीक है और आगे बढ़ते हैं अभी टेनिस पे आते हैं तो टेनिस की अगर हम बात करें तो टेनिस के पहले हम डायमेंशन समझ लेते हैं देन इसके जो हम डिफरेंट आ, कब साप बोल लीजिए या फिर जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उनको हम समझेंगे तो ये होता है हमारा टेनिस और टेनिस से अभी हमने देखा सुमित नागल और रोहन बपन्ना हमारे काफी न्यूज़ में चल रहे हैं सुमित नागल रोहन बपन्ना लियंडर पेस और विजय अमृतराज लियंडर पेस और विजय अमृतराज इसलिए बिकॉज टेनिस हॉल ऑफ फेम इंक्लूड हुए हैं और रोहन बोपन्ना इसलिए बिकॉज़ डबल्स में सबसे नंबर वन पे बैठे हुए हैं रोहन बोपन्ना सबसे एजेड प्लेयर हैं ये ठीक है जो डबल्स में और सबसे नंबर वन पे बैठे हुए हैं और अभी ऑस्ट्रेल ऑस्ट्रेलियन ओपन का डबल्स जीते थे मैथ्यू वेबडन इनके को पार्टनर अभी देखते हैं ठीक है थीके? तो टेनिस की अगर हम बात करें तो टेनिस के डायमेंशनस क्या हो जाएंगे आपके ठीक है तो टेनिस के डायमेंशनस की अगर बात करें तो ये रफली इसकी अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 78 फीट आपको समझ में आएगी ठीक है 78 फीट और जो आपकी ये है ये आपको रफली आप ये मान के चलो जो ब्रेड था बोल सकते हो वो छत्तीस फीट है टोटल छत्तीस फीट लेकिन इस छत्तीस फीट में छत्तीस फीट में ये जो सत्ताईस फीट होता है सिंगल्स के लिए होता है जैसे कि हमारे सुमित नांगल सिंगल्स खेलते हैं रोहन बपन्ना डबल्स में खेले थे, खेले थे तो डबल्स के लिए आपके लिए पूरी फील्ड खुली हुई है डबल्स के लिए आपके लिए पूरी फील्ड खुली हुई है जहाँ पे आप हिट करो सिंगल्स में क्या होता है अगर आपका बॉल यहाँ पे लग गया फाउल है यहाँ पे अंदर में पढ़ना चाहिए अंदर पढ़ना चाहिए इट इज़ सर्विस एरिया ये सर्विस एरिया होता है नहीं सर्विस आप करते हैं यहाँ से खड़े होके इसको बोलते हैं सर्विस एरिया और सर्विस हमेशा क्रॉस कोर्ट करनी होती है यानी कि यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे पढ़नी चाहिए तुम्हारी बॉल ये बेस लाइन होती है ठीक है तो ये डायमेंशन आपको पता होने चाहिए इसमें तो ये डायमेंशंस हैं और और क्या होना चाहिए इसमें और तो ठीक है बाकी हम ये पढ़ लेते हैं इसमें जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि टूर्नामेंट्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे टूर्नामेंट से मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं ठीक है जो हमारे क्या होते हैं ग्रैंड स्लैम होते हैं और यहाँ पर थिंक मैंने आपको नेट की हाइट नहीं बताई ना हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कुछ छूट रहा है तो नेट की हाइट की अगर बात करें जो नेट हाइट होती है वो रफली तीन फिट की होती है हाइट की बात करूँ हाइट ठीक है तीन फिट का होता है हाइट और ये जो पूरा सर्विस एरिया होता है यहाँ पे लिखा हुआ है ना ट्वेंटी वन फीट हाँ जी तो ये लिखा हुआ है आपका पूरा जो सर्विस एरिया होता है ये ट्वेंटी वन फीट का होता है ये चीज़ ध्यान रखिएगा नेट की हाइट नेट की हाइट आपसे पूछता है तो कितनी हो जाएगी तीन फीट हो जाएगी अभी ये मत पूछेगा सर इसकी लेंथ कितनी होगी तो लेंथ यार उतनी हो जाएगी लेंथ का सच कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता लेकिन हाँ आप वही कंसडर कर लो छत्तीस फीट से तो ज़्यादा ही होगी ठीक है है सच कोई फिक्स नहीं होता तो उसका याद नहीं रखना आपको हाई आ, मतलब जो लेंथ है छत्तीस फीट से ज़्यादा ही होगी और तीन फीट इसकी हाइट होती है हाइट इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे जो टूर्नामेंट होता है मेनली ग्रैंड स्लैम होता है आपने सुना होगा ग्रैंड स्लैम बहुत न्यूज़ में ग्रैंड स्लैम ग्रैंड स्लैम तो ग्रैंड स्लैम एस सच कोई अपने आप में कोई इस तरह का टूर्नामेंट नहीं होता चार इंपॉर्टेंट इवेंट से मिलकर बना हुआ है चार कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं एक तो विम्बल्डन आपने सुना होगा विम्बल्डन आपने सुना होगा दूसरा आपने सुना होगा यू ओपन ठीक है यू एस ओपन सुना होगा आपने एंड uh, आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन ठीक है और ये तो फिर चलो अब लिखिए रहे हैं तो इसको ऑर्डर में क्यों ना लिख देते हैं तो ऑर्डर इन सेंस अभी मैं बताता हूँ ऑर्डर किस चीज़ का ऑर्डर है ये फ्रेंच लिख लो पहले ठीक है फ्रेंच ओपन एंड चौथा है हमारा एंड द लास्ट इज़ ऑस्ट्रेलियन ओपन और भाई जो लोग कल सी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक ठीक है तो ये हमारे चार जो हैं क्या है टूर्नामेंट्स होते हैं इन्हीं चारों को मिला के हम इनको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं चारों को ही अगर मिला देते तो ग्रैंड स्लैम बोलते हैं विमिल्डन यूएस ओपन फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन विमिल्डन की अगर बात करें तो ये 1877 सेवेंटी सेवन अट्ठारह में ये सबसे पहले स्टार्ट होता है कहाँ पे इसको खेला जाता है इसको यू के दैट इज इंग्लैंड में खेला जाता है किस टाइप के कोर्ट में खेला जाता है तो ग्रास में घास में खेला जाता है ये ठीक है घास में आप अगर आप अभी देखोगे तो ग्रास में खेला जाता है यूएस ओपन की अगर बात करें यूएस ओपन तो ये आपका स्टार्ट होता है 1881 एट्टी वन में अठारह सो इक्यासी मैनिक विमिल्टन के बाद और इसको खेला जाता है यूएस में ही खेला जाएगा ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है बताने की जरूरत नहीं है बस मेन विमिल्टन आपको पता होना चाहिए बिकॉज यूएस नाम में ये फ्रेंच नाम में ये ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया नाम में ही ठीक है तो यहां पर कर अगर बात करें तो ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट सर्फेस में ठीक है या फिर एक हार्ड कोट भी बोल देते हैं इसको फ्रेंच ओपन की अगर बात करें तो 1891 में स्टार्ट होता है दस साल बाद ऑब्वियसली बात है फ्रांस में होगा ये ठीक है फ्रांस फ्रेंच ओपन आपका फ्रांस में होगा एंड ये आपका क्ले कोर्ट में खिला जाता है एंड एंड uh, uh, आपका बची का ओपन तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आपका ये खेला और क्ले का मतलब क्या होता है क्ले का मतलब मिट्टी आप ठीक है क्ले का मतलब मिट्टी लाल कलर की मिट्टी आपने देखी होगी फ्रेंच ओपन में लाल कलर की मिट्टी पड़ी रहती है और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये नाइनटीन में स्टार्ट होता है उन्नीस में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था ठीक है तो ये खेला जाएगा वैसे बात है ऑस्ट्रेलिया में और अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन ही आ, इ, मतलब इवेंट मतलब साल का जितना भी जित चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही ओपन होता है अभी जनवरी में हुआ ना ऑस्ट्रेलियन ओपन तो सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही शुरुआत होती है ध्यान रखिएगा इस चीज़ को और मई के टाइम पे पर फर्माट्रॉन खेला जाएगा आपका विमल्डन मई के टाइम पे खेला जाएगा विमल्डन तो ऑस्ट्रेलिया में ये होता है आपका और ये ये भी हार्ड कोर्ट सरफेस में खेला जाता है तो हार्ड कोर्ट में आपके कौन से होते हैं दो होते हैं एक तो यूएस ओपन होता है हार्ड कोर्ट में और एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो आपका फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट में खेला जाएगा और जो विमल्डन है वो आपका ग्रास कोर्ट में खेला जाएगा क्लियर इतनी चीज अब यहां पे हमें ये जानने की जरूरत अभी के लिए नहीं है कि भाई किसने पिछला वाला जीता था क्योंकि जो लेटेस्ट वाला है वो हमें पढ़ना होगा तो जब भी एग्जाम होगा उससे पहले वाला हम पढ़ लेंगे सिंपल जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो अगर आप अभी जा रहे हैं सी एग्ज़ाम में या फिर अगर आप सी में या फिर सी में भी बिकॉज अगला ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाएगा अब अगले साल खेला जाएगा जनवरी के महीने में तो तब तक के लिए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हम याद रख सकते हैं लेकिन अभी क्योंकि बारी बारी से वे मल्डन खेला जाएगा यूएस ओपन खेला जाएगा फ्रेंच ओपन खेला जाएगा तो सी के लिए तो हमें वही याद रखने होंगे जो अभी होंगे ये खेले जाएंगे ठीक है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैं बता देता हूँ आपको बाकी वैसे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हम करंट अफेयर में भी देखेंगे ठीक है करंट अफेयर में भी इस चीज़ को हम देखेंगे फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि रिसेंटली हुआ था तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और क्योंकि सुमित नागल और ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और रोहन बपन ने तो जीत ही लिया था ठीक है तो ओपन में अगर हम बात करें मेन सिंगल और सिंगल, सिंगल और सिंगल 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 ठीक है मेन किसने जीता तो सिंगल्स की बात अगर करें तो ये जैनिक सिनर ने जीता इटली के प्लेयर हैं जैनिक सिनर ठीक है और वेमेन में जीता एरा सलंका जो बेलारूस की बेलारूस के प्लेयर हैं अराना सबलेंका यह है कहाँ की है बेलारूस की प्लेयर है ठीक है डबल्स की बात करें तो डबल्स में आपको सिर्फ मेन वाला पता होना चाहिए वेमेन का पता होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है डबल्स में अगर बात करें और यहाँ पे डैनियल मेडवेडेव को इन्होंने हराया था जैनिक सिन्हा ने ध्यान रखिएगा ठीक है डबल्स की अगर बात करें तो डबल्स में हमारे जीता है किसने ये जीता है रोहन बोपन्ना ने ठीक है प्लस इनके को पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया के ये मैथ्यू एबडेन ठीक है मैथ्यू एबडन तो रोहन बोपन और मैथ्यू एबडन ने जीता है डबल्स में अगर हम बात करें क्लियर तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी हुआ था तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है मतलब इम्पॉट थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट तो है यही है नो डाउट ठीक है तो आई होप ये चीज़ें सारी आपको क्लियर होंगी कि कितना क्या होता है और आ, कितना मतलब इसका हाइट होता है तो हाइट यार यहाँ पर लिखा हुआ था कोई नहीं थ्री फिट होता है ठीक है तीन फिट का होता है सर्विस एरिया इक्कीस फिट का होता है बाकी सिंगल्स कितने में खेला जाता है डबल्स कितने में खेला जाता है और बाकी तो आई थिंक और ज़्यादा कुछ जरूरत है नहीं हाँ टर्म्स देख लेते हैं पे और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ मैं टर्म्स स्पोर्ट्स एंड टर्म्स की अलग से पी शेयर करूँगा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में बिकॉज सारे यहाँ पे कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है ठीक है और काफ़ी फैक्चुअल टाइप के हैं तो आपको वो देखते रहना है ठीक है और मैं आपको स्पोर्ट्स भी बता दूँगा कौन कौन से स्पोर्ट्स के उसमें से याद रखने सबके याद नहीं पूछता क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो है कॉमन है अब जैसे मैं तुमसे बोलूँ फोर हैंड बैक हैंड इसमें यूज़ होता है बिल्कुल यूज़ होता है टेनिस उसमें टेबल टेनिस में भी यूज़ होता है फोर हैंड बैक हैंड अभी बताऊंगा क्या होता है अभी टेनिस जब टेबल टेनिस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे फोर हैंड बैक हैंड क्या होता है फोर हैंड मतलब चलो वो बताऊंगा अभी यहाँ पे तो क्योंकि प्लेयर्स नहीं ना टेबल टेनिस वाले गेम में जो मैंने पिक लगा रखी है उसमें प्लेयर भी हैं तो वहाँ बताऊँगा आपको तो फोर हैंड होता है डबल हैंड होता है ड्यूस होता है ठीक है ड्यूस इसमें होता है ड्यूस अब ड्यूस इंपॉर्टेंट है ये आपका उसमें भी होता है क्या कहते हैं बैडमिंटन में भी ड्यूस वो होता है जब जब इक्वल पॉइंट हो जाते हैं ना जब इक्वालिटी हो जाती है पॉइंट्स की इक्वालिटी हो जाती है यानी दोनों बंदों ने दोनों टीम ने फिर मतलब अगर डबल्स से तो दोनों मतलब दोनों टीम ने अगर सिंगल से तो दोनों बंदों ने अगर इक्वल वो इक्वल मतलब वो किए ठीक है इक्वल पॉइंट स्कोर किए तो उसको ड्यूस बोलते हैं ड्यूस बोलते हैं मतलब लास्ट में बिकॉज ट्वेंटी वन आपको पॉइंट्स लेने हैं अगर आपको जीतना है तो मान लो दोनों ही ट्वेंटी uh, ट्वेंटी पे खड़े हुए हैं ठीक है दोनों ट्वेंटी ट्वेंटी पे खड़े हुए हैं उस केस में आपको दो पॉइंट लेने पड़ेंगे जीतने हैं तो समझ रहे समझना बैक टू बैक आपको दो पॉइंट लेने पड़ेंगे अगर आपको जीतना है अगर इक्वालिटी हो जाता है तो इक्वालिटी केस में क्या होता है ड्यूस के केस में क्या होता है अगर आपने दोनों ने ट्वेंटी ट्वेंटी पॉइंट स्कोर कर लिए बीस पे आ, बीस पे आके तो आपको लगातार दो पॉइंट स्कोर करने पड़ेंगे अगर आपको जीतना है तो ठीक है डी यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ नहीं तो आप में से कुछ लोग कंप्लेन करने लगेंगे ड्यूस ठीक है इक्वालिटी होती है उसको हम ड्यूस बोलते हैं क्लियर इतनी चीज़ बाकी तो आपको सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगी ठीक है क्लियर यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं अभी हम्म दो पॉइंट स्कोर करने होते हैं खेला है क्या कि किसी ने यार ये तो अमीर अमीर लोगों का खेल होता है मुझे ऐसा लगता है भाई मैंने तो आज तक खेलते हुए किसी को देखा भी नहीं है ठीक है <laughs> मतलब खेलना तो बहुत दूर की बात है मेरे लिए हम लोग तो वही क्रिकेट की खेल खेल के बड़े हुए हैं है ना गरीब लोग अपन लोग ताकि तुम तो में से कोई अमीर है क्या यहाँ पे हैं ये हो गया गोल्फ़ हो गया है ना अमीरों के खेल होते हैं गोल्फ़ वगैरह हाँ गोल्फ तो खेलते हुए देखा है मैंने बताऊँगा अभी कहाँ पर खेलते हुए देखा है गोल्फ़ ना जैसे कि जो ऑफिस अब गोल्फ हो गया बहुत सारे टेनिस भी हो गया ये सब टेनिस तो नहीं मैं बोलूँगा टेनिस तो ये इजिप्ट में ओरिजिनेट हुआ था गोल्फ हो गया क्रिकेट हो गया फुटबॉल हो गया ये सब ब्रिटेन में खेल औरिजिनेट हुए ये सब लोग क्या कॉलोनीज़ बना के रखते थे राजा शाही ज़िंदगी जीते थे और फिर क्या करेंगे फ्री टाइम में तो एक गेम ही खेला करते थे तो अभी भी फोर्सेज में अगर आप जाओगे तो जो आई ऑफिसर थोड़े एजेड हो जाते हैं आराम से भाई साहब गोल्फ़ खेल रहे हैं जो कांस्टेबल हैड कॉन्स्टेबल क्योंकि मैं अपने पापा की यूनिट में एक बार गया था ना तो वहाँ पे उन्हें देखा था आराम से गोल्फ़ चल रहा है ठीक है और कांस्टेबल लोग खड़े देख रहे हैं उठा उठा के दे रहे हैं मतलब इतना ख़राब लगता है देख के कुछ पूछो नहीं मतलब मार रहे हैं लाउदर से गेंद उठा के मतलब जैसे नहीं राजाशाही टाइप चल रही है वैसा टाइप सबसे ज्यादा जोकोविक ने जीते हैं ठीक है पूछ रहे हैं कि सबसे मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं ठीक है जोकोविक ने जीते हैं मोस्ट ग्रैंड स्लैम्स जो जीते हैं वो जोकोविक ने जीते हैं कितने कितने चौबीस रिकॉर्ड है ये चौबीस का और सबसे एजेड भी नंबर वन प्लेयर है सबसे एजेड नंबर वन प्लेयर जोकोविक ने ठीक है ट्वेंटी फोर ग्रैंड स्लैम जीते हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं अभी और अगला हम देखते हैं दैट इज़ बैडमिंटन अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी ठीक है अब जल्दी जल्दी आपके खत्म हो जाएंगे तो बैडमिंटन पे आते हैं तो बैडमिंटन पे यहाँ पे आप देख लीजिए इतने सारे आपको दिख रहे होंगे चीज़ें सारा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है नेट की हाइट और ये थोड़ा सा पूछ लेता है और ये लेंथ और ब्रेथ तो लेंथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्वेंटी फीट दिखेगा और पूरा वो देखेंगे मतलब सॉरी लेंथ देखेंगे चौ फीट दिखेगा और जो ब्रेथ आप देखेंगे वो बीस फीट है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप समझ जाएंगे चवालीस फीट बटा बीस फीट ठीक है एक सेकेंड बीस फिट या फिर अगर मतलब प्लेइंग एरिया की बात करेंगे तो सत्रह फिट ही है वो देख लेना क्या है या तो आपका बीस फिट लिखा होगा या फिर सत्रह फिट लिखा होगा ठीक है आप देख लीजिए बीस फिट है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ठीक है लेकिन अगर आपका ये पूरा जो प्लेइंग एरिया अगर कंसीडर करेंगे जहाँ पे खेला जाता है तो वो आपका है पूरा सत्रह फिट का ठीक है तो देख लीजिएगा क्या वहाँ पर लिखा हुआ है तो ट्वेंटी फिट लिखा सकता है या फिर इसकी जगह सत्रह फिट भी लिखा हुआ आ सकता है ये चीज का बस ध्यान रखिएगा दोनों ऑप्शन में तो नहीं होंगे ठीक ठीक है है और और कुछ चवालीस फीट हाँ नेट का आप से पूछ सकता है ठीक है है ठीक नेट नेट होता है। नेट की हाइट नेट की हाइट कितनी होती है तो नेट की हाइट की अगर बात करेंगे तो इसमें सेंटर में अगर सेंटर में थोड़ा झुका हुआ होता है तो पांच फीट का होता है और किनारों में एजेस में पॉइंट फाइव पॉइंट वन तो पाँच फिट ऑप्शन में तो होगा या फिर हो सकता है पाँच फिट एक इंच हो दोनों ही सही है क्योंकि आपको पता है कि सेंटर में थोड़ा सा झुका हुआ तो होता ही है ना ऐसे हल्का सा बहुत हल्का सा तो ये पाँच फिट हो जाएगा और यहाँ पे पाँच फिट एक इंच हो जाएगा ठीक है नेट की हाइट की अगर कर बात करें तो इतना ही डायमेंशन याद रखना है बस आपने इसमें बैडमिंटन में तो फिर और बैडमिंटन में क्या याद रखना है आपको बैडमिंटन में ये याद रखना है भाई कि इसमें डिफरेंट कार्ड और इसमें बैडमिंटन फेडरेशन के हमारे हेड कौन है तो बैडमिंटन जो फेडरेशन ज़्यादातर जो भी हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया पहली बात तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए जो साई है, हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में स्टैब्लिश हुआ था ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर में आता है तो बैडमिंटन हो गया ज़्यादातर जितने भी हमारे स्पोर्ट्स खेल खेले जाते हैं उनके जो हेडक्वार्टर उनके जो फेडरेशन के हेडक्वार्टर है इंडिया की बात कर रहे हैं वो न्यू डेली में आपको देखने को मिलेंगे सिवाय इक्का दुकान जैसे वॉलीबॉल का आपका अलग जगह पर वॉलीबॉल के फ्लो चेन्नई में वॉलीबॉल वाल का हाँ चेन्नई में ही है बाकी सब के आपके न्यू डेली में ये ध्यान रखना बैडमिंटन ले लो फुटबॉल ले लो कौनों गेम ले लो ठीक है वो सब न्यू दिल्ली में ही है आपके तो वो ज़्यादा याद करना नहीं है वो आपको तो बैडमिंटन में जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिश्व, है, बिश्व शर्मा ये इसके हेड भी हैं बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के हिमंता बिश्व शर्मा है ना जो आपके असम के चीफ मिनिस्टर हैं तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए अब बाकी इसमें डिफरेंट हम कार्ड्स की बात कर लेते हैं ठीक है थीके? डिफरेंट तरह के जो कार्ड्स होते हैं इसमें से ठीक है इसमें आपके जो डिफरेंट तरह के कार्ड्स दिखाए जाते हैं अब इसमें भी तीन तरह के कार्ड होते हैं हॉकी में देखे थे ग्रीन होता है एक और उसमें एक येलो होता है और इसमें रेड होता है इसमें कौन कौन से होते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग ही होती है येलो से येलो येलो से होता है देन ये कब दिया जाता है येलो येलो तब दिया जाता है वेन देर इज अ काइंड ऑफ वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट आप मिसकंडक्ट कर रहे हो जैसे कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है ई आ ऊ ऐसी आवाज़ें भी निकालते हैं अभी कैरोलिना मारिन वर्सेस पीवी वी सिंधु के बीच में हुआ था तो कैरोना मारिन की आदत है ई आ ऊ ऐसे करके आवाज़ें निकालने की ठीक है <laughs> तो फिर मतलब और वो थोड़ा एजिटेट करने की कोशिश कर रही थी पीवी सिंधु की तो पीवी सिंधु ने भी निकाले फिर तो फिर दोनों लोगों को जो है वार्निंग दि, दिया गया था ठीक है आई थिंक येलो कार्ड तो नहीं दिया गया था थोड़ा सा वैसा टाइप लगता है क्योंकि दोनों टॉप प्लेयर्स हैं ठीक है तो इसलिए नहीं दिया गया था लेकिन हाँ मिसकंडक्ट के लिए येलो कार्ड दिया जा सकता है देन इसके बाद हमारा कार्ड आता है एंड दैट इज़ रेड कार्ड ठीक है रेड अभी उतना भी सीवियर नहीं है ठीक है जितना कि अभी अगला आने वाला कार्ड है तो जो रेड कार्ड है ध्यान रखना ये वार्निंग फॉर फॉल्ट दिया फॉल्ट दिया जाता है आपने कोई फॉल्ट कर दिया यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा आपने ब्रीच कर दिया है यहाँ पर क्या आपने थोड़े से कुछ रूल ब्रेक किए हैं यहाँ पे आपने कोई फॉल्ट कर दिया है ठीक है एंड देन आता है हमारा ब्लैक कार्ड ठीक है ब्लैक कार्ड आता है ब्लैक कार्ड जो है ये दो इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू टू येलो कार्ड्स यानी अगर आपको दो येलो कार्ड दिखा दिए गए वो बराबर होगा एक ब्लैक कार्ड के और ब्लैक कार्ड का मतलब क्या होता है ब्लैक कार्ड का मतलब होता है ये यानी कि प्लेयर को अब जाना पड़ेगा तो बात यह आती है कि जो ब्लैक कार्ड है तो ये इसका मतलब क्या हुआ दो येलो कार्ड इज इक्वल टू वन ब्लैक कार्ड अगर दो बार येलो कार्ड दिखा दिया गया तो उसका मतलब ही होता है ब्लैक कार्ड इसका मतलब ये है आप नहीं माने पहले तो येलो कार्ड आप फिर नहीं माने अगर आपने कुछ हरकत की और अगर फिर से येलो कार्ड मिला निकल लो ठीक है ये मतलब जो हमारे ताउे ये चच्चा जान जो बोल रहे हैं वही ठीक है और अगर कई 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 बार ऐसा होता है कि प्लेयर ने पहली बार में ऐसी हरकत कर दी कि उसको सीधे ही ब्लैक कार्ड दिखाना पड़ गया तो इसलिए ब्लैक कार्ड भी रखा जाता है ठीक है तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको कि ब्लैक कार्ड कब दिखाया जाता है और ब्लैक कार्ड दो येलो कार्ड के बराबर होता है अब इसमें अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज़ की तो इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज़ में आज जैसे कि अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है थॉमस कप होता है आपका और थॉमस कप का जो है रिसेंट जो विनर है वो इंडिया ही है बाई इनियल इवेंट होता है दो साल में एक बार होता है और इंडिया पहली बार इसको जीता था ठीक है 2022 में हुआ था ये ठीक है पहली बार इसको इंडिया ने जीता 2022 में एंड और इसी के मतलब ये तो होता है जैसे मेन जो होते हैं हमारे यहाँ ठीक है मेन के लिए ऐसे फीमेल के लिए होता है ऊबर कप दोनों सेम टाइम पे होते हैं दोनों आपके सेम टाइम पे ही होते हैं जैसे मेन के लिए थॉमस कप हो गया वेमेन के लिए ऊबर कप हो गया आपका ठीक है ऊबर या फिर ऊबेर जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो एंड इंडिया में अगर हम बात करें तो जैसे सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल होता है ठीक है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल ठीक है तो यहां तक किसी कोई डाउट तो आई होप नहीं होगा टेबल टेनिस पे आ जाएं अभी टेबल टेनिस पे आ जाएं। आपकी राइटिंग अच्छी लग रही काफी अरे ठीक है यार इतना तो मतलब समझ में तो आता ही ना वेमेन का जब तक लिखो ना तब ठीक है लिख देंगे लो ठीक सुंदर सुंदर राइटिंग में ठीक है अभी चलो तो भाई तो आगे बढ़ते हैं अभी और अगला है हमारा टेबल टेनिस ये मेरा काफ़ी फेवरेट गेम है क्रिकेट के बाद जो सबसे मेरा मतलब फेवरेट मनचाहा गेम है दैट दा, इज़ टेबल टेनिस हाँ अभी अगर खिला लोगे तो अभी तो एकदम नोवाइस टाइप ही है लेकिन पहले मैंने स्कूल लेवल पे बहुत खेला है हाँ और खेला छोड़ा भी इसी था होता ना कि मैंने जिससे जितना प्यार किया उसी ने मतलब भाव नहीं दिया तो वैसा टाइप ही है कि मतलब हुआ ये था कि मतलब मैंने काफ़ी टीटी टी खेला मैंने मतलब पढ़ाई वढ़ाई से भी और मैंने मुझे याद है पाँच सौ का बैट आया था मुझे और मुझे लगा था कि ये बैट होता है ठीक है और ठग लिया गया था मुझे लेकिन खैर कोई नहीं मैंने जैसे तैसे मुझे लगा नहीं था कि घर वाले दिलाएँगे लेकिन जैसे तैसे मैंने मम्मी से बोला फिर मम्मी ने पापा से पूछा ठीक है और पापा जैसे तैसे, तैसे फिर मुझे मिला अब समझ सकते हो कि कोई चीज़ मतलब विश थी मिल जाए बस एक बार इस वाला एक होता था बैट जिसमें भी फोम लगाता है जिसको सक्ता बोलते हैं हमारे हाँ टक 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 ऐसी आवाज़ आती है इसमें इसमें क्या आवाज़ नहीं आती टक 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 ठीक है तक, तक, तक। तो उसमें होता क्या था स्कूल में जीरो पीरियड होता था ज़ीरो पीरियड में आता तुम वहाँ पे बैठ के पढ़ो किसी टीचर का थना <laughs> देखो बैठ के <laughs> या तो निकल लो बाहर तो हम निकल लेते थे बाहर ज़्यादातर लोग निकल लेते थे कोई कुछ खेलने खेलने गया ऐसे ही टाइम पास करने घूमेंगे काम पूरा दिन पड़ा हुआ है आठ पीरियड तो बिताना ही है वे निकल लेते हैं जीरो पीरियड में जो सब लोग ज़्यादातर कुछ क्रिकेट तो होता नहीं था ठीक है फुटबॉल में निकल ली फुटबॉल में कुछ मन ही नहीं लगता था इसमें जाते थे ठीक है लेकिन इसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा फिर ऐसा लगता था टक टक कॉलेज किए गए मतलब दो तीन लोगों के पास हमारे जो सीनियर थे उनके पास ये वाला बैट था जो रबर वाला होता है ठीक है रबर ग्रिप वाला होता है तो हमें लगता था ये वाला एक बार बैट मिल जाएगा फिर बताते हैं इनको कायदे से और मिल गया फाइनली सोचो और पाँच सौ का लिया था ठीक है इतना बढ़िया खेले थे लेकिन फाइनली हुआ क्या जिस दिन हम मतलब एबसेंट हुए जिस दिन हबसेंट हुए थे और बिना बताए ही हमारे कानपुर में ग्रीन पार्क है ठीक है जहाँ पे पहले क्रिकेट अब तो नहीं होता है उतना ज़्यादा क्योंकि लखनऊ में ही काना स्टेडियम बन गया तो वहाँ पे सारे इवेंट्स होते थे तो भाई साहब ले नहीं जाएगा मैं तो और मेरे ही नाम का एक और लड़का था हम दोनों ही मतलब अच्छा खेलते थे तो दोनों ही एक ही दिन एबसेंट हुए और फिर हम लोगों को मतलब काफ़ी उस दिन ख़राब लगा कि मतलब जो हम लोगों से एकदम रद्दड़ खेलते थे उनको ग्रीन पार्क मतलब जाने का मौका मिला लेकिन हम लोगों को नहीं उसी दिन से हम लोगों ने प्रण ले लिया कि अब से नो टी टी ठीक है इससे अच्छा तो पढ़ाई कर लेते तो कम से कम नंबर ही आ जाते है। <laughs> ठीक है तो टी टी हाँ अब मैं तुम्हें तो बताता हूँ फोर हैंड बैक हैंड तो ये जो मैडम खेल रही हैं ये बैक हैंड ही खेलने की ओर अग्रसर हैं ये ठीक है बैक हैंड मतलब समझ पा रहे होंगे ये फोर हैंड है अगर बॉल आएगी और अगर ये इसी तरह से मारेंगी तो इसको फोर हैंड बोलेंगे और ये क्या है कि इन्होंने अपना हाथ पलट लिया है हाथ पलट लिया है अगर मतलब इस साइड से खेल रही है बैक हैंड अगर मान लो उस साइड से जो उधर दिख नहीं रहा उस साइड से मार रही हैं तो मतलब ऐसे इधर करके मारेंगी ऐसे करके हाथ इनका इधर होगा और ऐसे मारेंगी तो उसको फोर हैंड बोलते हैं सेम ऐसे ही आपका उसमें होता है क्या बोलते हैं टेनिस में होता है ठीक है और इस गेम को पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है चाइना में खासकर इसको पिंग पोंग बोलते हैं और सारे टॉप में चाइनीज़ हैं इंटरव्यू में भी मैंने जब डाला था वो एक डैफ भरना होता है ठीक है जब भी आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यू पी का कोई भी आप एग्ज़ाम क्लियर करो तो उसके बाद आपको डे डैफ भरना होता है एग्जाम क्लियर करने के बाद डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म तो वहाँ पर भी कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपकी क्या हॉबीज़ हैं ठीक है क्या इंटरेस्ट हैं तो यही जो डैफ भरते हो आप तो ये जितने भी आपके चेयरमैन होते हैं जितने भी बोर्ड मेम्बर होते हैं सबके पास होता है बोर्ड में बोर्ड का जो चेयरमैन होता है उसके पास पूरा डैफ होता है और इसके पास यहाँ पे जो बैठे रहते हैं मेंबर्स उनके पास सिर्फ समरी होती है तो डैफ में जो आखिरी पन्ना होता है वो समरी होती है तो समरी इन लोगों के पास होती है कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं क्या इंटरेस्ट हैं कहाँ कहाँ आपने क्या मेडल जीता है तो मेडल तो हमने कुछ नहीं जीता था ये तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने झूठ लिखा था उसमें ठीक है <laughs> तो ये नहीं लिखना चाहिए ठीक है डैफ में और यही कारण है कि क्यों फिर हमें जो है खैर तो डाइफ की अगर बात करें तो उसमें आ, मतलब ये झूठ लिखा था कि भाई हमने मेडल जी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रखा है मतलब स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट कर रखा है लेकिन कोई घंटा रिप्रेजेंट नहीं किया था हमने ठीक है क्योंकि रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला था तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्वेश्चन इसी तरह से पूछे थे कि फर्स्ट चाइनीज़ प्लेयर मतलब कौन सा टॉप पे तो कभी भी आप देखोगे तो चाहे मैन हो चाहे वीमेन हो चाइनीज़ ही आपको मिलेंगे ये गेम का ओरिजन भी ब्रिटिशर्स ने किया था और इंडिया में ही किया था पुणे में आई थिंक हुआ था इसका पुणे में तो वहाँ पे ये औरिजन हुआ था ठीक है टेबल टेनिस हो गया और जो आपका बैडमिंटन ये भी ब्रिटिशर्स ही इसके मतलब ओरिजिनेटर्स माने जाते हैं तो लेकिन मेनली अभी चाइना में काफ़ी अच्छे ढंग से खेला जाता है बहुत एजिलिटी वाला गेम होता है बहुत ही फास्ट आपको खेलना पड़ता है और आई थिंक हमारे जो पहले सर थे उनका नाम महमूद मतलब मुस्लिम थे वो कोई पता नहीं कुछ महमूद ऐसे करके कुछ नाम था उनको उन्होंने ही बैट दिया था पाँच सौ रुपये का और मुझे लगता था उन्होंने ठगा था ठीक है और एक मैडम आई थी बाद में अब थोड़ा सा मैं बात बता देता हूँ आपको ठीक है थोड़े एक मैडम आई थी उन मैडम के साथ क्या था तो होता ये था कि हम बहुत पहले आ जाते थे ठीक है मतलब प्रैक्टिस करने के लिए अपना फ्यूचर देखने लगे थे ना टेबल टेनिस में <laughs> कि हम भी फ्यूचर में इंडिया के रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत पहले आ जाते थे जब वी कोच आते थे तो कोच हमारी एक मैडम आई थी ठीक है तो मैडम को क्या था मैडम को एक मारो इधर एक मारो इधर एक मारो इधर एक मारो इधर मैडम को अगर घुमाया तो मैडम बोलते थे हाँ बड़ा अच्छा खेलते हो लेकिन अगर मैडम को सीधे सीधे दिए रहो तो मैडम बोलती थी अभी खेल नहीं रहा ढंग से तो फिर मैडम को एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर मैडम को भगा के रखते थे फिर <laughs> ठीक है तो पिंग पॉन्ग आपका गेम होता है और टेबल टेनिस में आपका बॉल का वेट पूछ लेता है कभी कभी कि बॉल का वेट कितना होता है तो बॉल का वेट अगर हम बात करें टेबल टेनिस हाँ <laughs> ठीक है तो बॉल का वेट की अगर हम बात करें तो 2.7 ग्राम का इसमें वेट होता है एंड इसमें टेबल की डिमेंशन आपसे पूछ लेगा टेबल की हाइट पूछ लेगा ठीक है टेबल की अगर डायमेंशंस की अगर बात करें तो नाइन फीट इन फाइव फीट ये होते हैं आपके टेबल के डमेंशंस और हाइट की बात करें टेबल की हाइट की बात कर रहे हैं नेट की हाइट की बात नहीं कर रहे हैं ये रफली ढाई फीट होती है ग्राउंड से ढाई फीट ऊपर होती है और इसके अगर नेट की हाइट की बात करें नेट की हाइट की बात करें दैट इज़ रफली पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर गलती से फीट है मीटर लगा देना देख रहे हो कितना छोटा सा है तो फिफ्टी मतलब जो ना स्केल आती थी फिफ्टीन सेंटीमीटर की रफली उतना ही आप कंसिडर कर सकते हो नेट की हाइट होती है हमारे लिए टेबल दो हमारे स्कूल में दो टेबल हुआ करती थी एक की मतलब नेट बड़ा ढीला ढीला सा रहता था उसका नेट ठीक है तो मतलब जो अच्छा खेलता था उसको अच्छी वाली टेबल मिलती थी जिसमें अच्छा वाला नेट रहता था और ज़ीरो पीरियड वालों को फिर वो वाली मिलती थी ख़राब वाली तो हमें यह था कि हम अच्छी वाले टेबल में जाएंगे सीनियर्स के साथ गोगू महमूद मैडम सुंदर थी क्या हम भी कनपुरिया अच्छा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, नहीं, नहीं था यार <laughs> <laughs> नहीं तो फिर हम टेबल टेनिस फिर भी ना छोड़ते हैं <laughs> चलो तो अभी आते हैं चेस पे तो ये चीज़ क्लियर हो गई नेट के आई सारे डेमिशन्स और हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैसे हम प्लेयर्स की बात करें तो इंडिया से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है मेरे जैसे अचंता शरद कमल सबसे कॉमनवेल्थ <clears throat> में दो गोल्ड मेडल मिल चुके हैं चिंता शरद कमल जी को ठीक है तो सबसे बेस्ट मेल प्लेयर हैं अभी तक के ये टेबल टेनिस में और सबसे बेस्ट फीमेल प्लेयर हैं इनका नाम है मनिका बत्रा ठीक है मनिका बत्रा ये वो एक होता है आई थिंक लॉन्ग मतलब इसमें रबर भी डिफरेंट तरह की होती है तो एक लॉन्ग पिप रबर होती है तो मतलब बहुत ही कमी लोग खेल पाते हैं उस लॉन्ग पिप रबर उसे मनिका बत्रा इज़ वन ऑफ देम ठीक है और एक और प्लेयर है नहा अजीता क्या नाम इनका श्रीकुला क्या नाम है यार अजीता श्रीकुला है ना श्रीकुला अजीता है फिर अजीता श्रीकुला ऐसे करके कुछ नाम है एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा फिर किसी को पता हो तो एक बार कंफर्म करना श्रीकुला अजीता है फिर अजीता श्रीकुला ऐसा करके कोई नाम है जो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है बताएगा सर तो कोई मैग्नस कार्लसन बोलो मैग्नस कार्लसन यहाँ पे कहाँ गए चेस में होंगे वो तो मनिका बत्रा हाँ ठीक है अरे ज्वाला गुट्टा नहीं भैया वो तो उसमें बैडमिंटन में है अकुला हाँ ठीक है ठीक है अकुला, अकुला अकुला नाम है अजीता श्रीकुला नहीं अकुला ठीक है ठीक है ज्वाला गुट्टा नहीं यार अकुला सही बताया अकुला श्रीजा ठीक है याद आ गया अकुला श्रीजा उनका नाम है ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा क्योंकि ये अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में है करंट अफेयर्स में हम देखेंगे फिर से इनका नाम ठीक है तो ये तीन नाम याद रखिएगा और एक और नाम है पैरालंपिक में, में मेडल लेके आई थी भाविना पटेल ठीक है भाविना पटेल ये पैरालंपिक से मेडल लेके आई थी इंडिया ने अभी तक इंडिया ने अभी तक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था मुझे याद है और पता किसने पूछा था ये पूछा था प्रीति सूदन मैम ने ठीक है जो हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी उन्होंने पूछा था कि इन्होंने ये पूछा था कि आ, इंडिया ने अभी तक कितने मेडल जीते हैं ठीक है और मैंने जो आंसर दिया था शायद मैंने सही आंसर दिया था दैट वाज कि आ, इंडिया ने अभी तक कोई भी मेडल नहीं जीता ओलंपिक में पैरालंपिक में जीत के लाइए अभी भवीना पटेल लेकिन वैसे मैं ओलंपिक्स में एक भी मेडल अभी तक नहीं जीते हैं टेबल टेनिस में अभी आते हैं चेस पे ठीक है तो चेस पे आ जाते हैं तो चेस में अगर हम बात करें तो इसमें सब नंबर ऑफ प्लेयर्स की तो ज़रूरत होगी नहीं भाई सिंगल्स में सिंगल एक ही होगा डबल्स में दो होंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ प्लेयर तो पूछेगा नहीं आपसे चेस में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनसे हाथी घोड़ा लाल की जय है लाल की इनसे ये क्वेश्चन बनता है कि भाई कितने नंबर ऑफ़ पीसेस होते हैं पीसेस का मतलब होता है ये मोहरे जिसको हिंदी में बोलते हैं ठीक है ये प्यादा और यह शहजादा <laughs> ये होता है आपका प्यादा यानी कि चलो एक एक करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसमें कितने होते हैं तो पहली बात तो ये सिक्सटीन पीसेस होते हैं ईच प्लेयर के पास एक प्लेयर के पास सोलह घोटियाँ होती हैं जैसे समझ लो ठीक है सिक्सटीन पीसेस पर प्लेयर ठीक है ये होता है तो चेस में अगर हम बात करें तो एक होता है आपका पॉन दैट इज कॉल्ड एज प्यादा ठीक है <laughs> एक होता है आपका नाइट इसको बोलते हैं हिंदी में घोड़ा और एक होता है बिशप इसको बोलते हैं ऊँट देन एक आता है रुख इसको बोलते हैं हाथी और एक होती है रानी और एक होता है राजा और ख़त्म हुई कहानी तो राजा ये हो गया आपका किंग ठीक है तो पौन की अगर बात करें तो पौन को हिंदी में बोलते हैं प्यादा ठीक है प्यादा बोलते हैं नाइट को मैंने बता दिया घोड़ा बोलते हैं इसको ऊँट बोलते हैं इसको हाथी बोलते हैं इसको रानी और राजा कितने होते हैं पौन यानी कि प्यादे जो कि आपको सिपाही भी आप बोलते हो जब खेलते हो तो आप सिपाही भी बोलते हो आठ होते हैं नाइट जो घोड़े होते हैं वो दो होते हैं बिशप जो होते हैं वो भी दो होते हैं ये आपके बात करें रुख ये भी दो होते हैं और किंग और क्वीन तो एक ही एक होगा है ना अब वैसे बात है एक एक होगा तो आठ दो दस दो बारह दो चौदह और दो सोलह यानी सोलह पीसेस होते हैं एक के पास अभी ये आपसे कभी कभी पूछ लेता था कि कितना मतलब चलते हैं ये तो ये एक स्टेप चलता है आगे की ओर ही किंग जो प्यादा होता है वो एक आगे चल सकता है जो सहजा होता है नहीं जो किंग होता है वो चारों डायरेक्शन में एक एक दिशा चल सकता है मतलब एक बार में एक ही स्टेप आगे बढ़ेगा आगे दाया बाएं या फिर पीछे लेकिन एक ही स्टेप चलेगा लेकिन चारों डायरेक्शन में चल सकता है ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल सकता है इनको दोनों के बीच में ये में आ, ये आपको बताना चाहिए और बस इसका और ध्यान रख लो एंड दैट इज ये नाइट नाइट मतलब घोड़ा ये एल शेप पे चलता है इसको बोलते हैं ना ढाई हाथ चलता है ये ढाई हाथ चलता है ढाई हाथ का मतलब क्या होता है ढाई हाथ का मतलब ये होता है जैसे मान लो ये घोड़ा है ये घोड़ा है ठीक है इसको निकलना है तो एक रेड से दिखाते हैं एक दो और ये ढाई इस तरह से चलता है इसका मतलब होता है ढाई ठीक है यानी कि जैसे मान लो यहां पर खड़ा हुआ है तो एक दो या तो यहाँ या तो यहाँ ढाई तो तो यानी ये एल शेप में नहीं चल रहा एल शेप में या ऐसे या फिर ऐसे एल शेप में चलता है तो अगर आपसे पूछ ले एल शेप में कौन चलता है किसके एल लगे हुए हैं तो घोड़े के एल लगे हुए हैं ठीक है तो एल शेप में चलता है इन्हीं के तीनों का ही पूछता है ठीक है तो ये होता है आपका ये पावन यानी प्यादा आठ होते हैं ये होता है आपका घोड़ा इसमें दो होते हैं आपके सॉरी घोड़ा तो वो होगा ना घोड़ा तो ये होगा आपका दो होगा ये आपका पावन हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगी आपकी क्वीन ये हो जाएगा आपका किंग ठीक है ये हो जाएगा आपका ऊँट होगा ये ठीक है ऊँट ऊँट को क्या बोलते हैं ऊँट को क्या बोलेंगे ऊँट को बोलेंगे बिशप ठीक है तो ये हो जाएगा बिशप और ये हो जाएगा आपका हाथी दैट इज रुक ठीक है ये क्या होता है एकदम सीधी मार मारता है एकदम ये है ना आपने देखा होगा एकदम सीधा जैसे यहाँ खड़ा हुआ ये यहाँ खड़ा हुआ एकदम सीधी मार देता है ये है ना और क्वीन भी ऐसे ही मार देती है लेकिन ये होता है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सीधी मार देता है क्वीन चारों डायरेक्शन में कहीं भी कितने भी हाथ मार दे सकती है ना क्वीन चलो भाई तो कबड्डी में आगे बढ़ें उससे पहले चेस में तो आपने नाम सुने होंगे एक तो आर प्रज्ञानंद का ठीक है रमेश बाबू प्रज्ञानंद जिन्होंने मैग्नस <coughs> कार्लसन को काफ़ी बार हराया इनकी बहन है आर वैशाली जो कि दोनों मतलब पहले ब्रदर और सिस्टर डुओ हैं ग्रैंड मास्टर ठीक है एंड हमारे आ, क्या नाम है एरीगैसी अर्जन एरीगैसी ठीक है अर्जन एरीगैसी ये सबसे टॉप रैंकिंग पे विश्वनाथन आनंद भी जितना रैंकिंग अचीव किए उससे भी टॉप रैंक अचीव करने वाले बने हैं अर्जन एरीगैसी ये इसलिए ये इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अर्जन एरीगैसी नाम याद रखिएगा ठीक है और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से हाँ टर्म्स जो इसमें होते हैं अगेन टर्म्स वाली पी मैं शेयर कर दूंगा तो स्टेल आपको देखने को मिलेगा चेक देखने को मिलेगा थीके? वो पी डी एफ जो आपको मिलेगी गैम्बिट देखने को मिलेगा ग्रैंड मास्टर देखने को मिलेगा तो ये सारे जो टर्म्स हैं चेको सॉरी से चेस से एसोसिएटेड है ठीक है चेस एसोसिएटेड है तो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में किस किस के आपको पढ़ लें चेस हो गया गोल्फ हो गया इन सब के आपको पढ़ लें अब आ जाते हैं कबड्डी पे ठीक है कबड्डी पे आ जाते हैं कबड्डी में क्या याद रखना है हमको कबड्डी में एक तो डायमेंशन याद रखनी है और थोड़ा बहुत ये प्रो कबड्डी लीग जो होती है हमारे यहाँ जैसे आईपीएल होता है तो ऐसे प्रो कबड्डी लीग होती है अच्छा फुटबॉल में होती है इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग होती है और इंडियन प्रीमियर लीग होती है आ, आ, क्रिकेट में और इसमें होती है प्रो कबड्डी लीग आपकी ठीक है पी के एल इन शॉर्ट बोलते हैं प्रो कबड्डी लीग इसमें अगर डायमेंशंस की बात करें यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ तेरह मीटर इंटू दस मीटर ठीक है थर्टीन इंटू टेन तेरह आपकी लेंथ होगी दस आपकी विथ्थ होगी तो तेरह उड़ते दस तेरह मीटर इंटू दस मीटर ये मेन में होता है वेमेन में चेंज हो जाता है वेमेन में बारह इंटू आठ होता है तो इत कितना याद रखोगे तो इससे अच्छा है बस ये मेन वाला याद कर लेना तेरह मीटर लेंथ होती है और दस मीटर इसकी विथ्थ होती है अगर हम कबड्डी कोर्ट की बात करें तो ठीक है एंड ये जरा बताइए ये जो हैं इनको क्या बोलते हैं और ये सारे लोग हैं इनको क्या बोलते हैं अगर आपने देखा होगा कबड्डी मैंने खेला तो नहीं है हाँ देखा है थोड़ा बहुत तो ये होते हैं हमारे रेडर इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं रेडर बोलते हैं जो रेड करने आए हैं ये ठीक है थीके? और ये सारे लोग जो इनको क्या पकड़ने की एकदम फिराक में ये ये एकदम फ़िराक में एकदम नज़र बनाए हुए हैं सीधे यहाँ से मारेंगे आ ये इसका नाम था चिनकुनली करके कुछ है साउथ कोरिया का प्लेयर है तो ये जो है ये हमारे होते हैं डिफेंडर ठीक है चैन कुंडली ऐसा करके कुछ नाम है ना इसका डिफेंडर तो ये सारे होते हैं हमारे डिफेंडर तो रेडर ये होता है और ये डिफेंडर होते हैं सारे अगर अभी हम बात करें जो रिसेंटली खेली गई है आपकी प्रो कबड्डी लीग वो जीती है पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हरा के ये फेम नोट रहा हैदराबाद में हुआ था फाइनल तो पुनेरी पल्टन ठीक है पुनेरी पल्टन ने जो है ये जीता है आपका पुनेरी पल्टन ने जो लेटेस्ट वाला भी जो, दो हजार का प्रो कबड्डी लीग हुआ था वो क्लियर है यहाँ तक सुपर uh, टैकल हाँ सुपर टैकल होता है जब आप मतलब जब सिर्फ आई थिंक दो या तीन प्लेयर होते हैं तीन डिफेंडर होते हैं उसको सुपर टैकल बोलते हैं ऐसे मान लो तीन डिफेंडर हैं और उन्होंने रेडर को पकड़ लिया तीन हैं दो हैं सिर्फ एक है तो उसको सुपर टैकल बोलते हैं और उसमें आपको कितने दो पॉइंट मिलते हैं ना दो या तीन मिलते हैं सुपर टैकल में वैसे इतना तो नहीं पूछेगा ट्रेविस सेट क्या हो गया ट्रेविस सेट अच्छा आज मैच वैच होगा इसी वजह से ट्रेविस सेट चिल्ला रहे हो है ना मार मार दिया हुआ कुछ रोज क्या भैया वो चलो आगे बढ़ जाते हैं और अभी बास्केटबॉल पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी अभी ख़त्म करते हैं तो बास्केटबॉल की अगर बात करें अच्छा बास्केटबॉल में भी ड्रिबलिंग होती है ध्यान रखना बास्केटबॉल में ड्रिबल होता है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हॉकी में बताया तो कन्फ्यूज़ तो मत हो जाना यहाँ पे पिवट होता है ठीक है एकदम कहीं खेल रहा कहीं खेल रहा एकदम से खड़ा से एकदम चेंज कर देना अच्छा ये भी मैंने खेला तो मैं इसकी स्टोरी बताते हैं तो इसका भी पहले मैंने इसी से शुरुआत किया था जीरो पीरियड में इसी से शुरुआत की थी जब से बात बनी नहीं थी तब टेबल टेनिस में अच्छी हो तो हाँ टेबल टेनिस का बैट क्यों भी नहीं दिया दिला जा रहा था तो उसके पीछे का रीजन था इसमें ड्रेस होती थी इसमें बॉल तो लेनी नहीं पड़ती थी बॉल तो होती थी स्कूल की ड्रेस लेनी पड़ती थी ड्रेस नहीं है तो नहीं खेल पाओगे मतलब स्कूल वालों के चोचले होते हैं क्यों ड्रेस वो खुद बनाते थे जैसे कॉपी हमारे यहाँ से लेनी हो क्यों कॉपी खुद बनाते हैं तो ड्रेस तो लेनी पड़ेगी तो भाई ड्रेस जो है हमने ली ठीक है हमारे स्कूल में हरी कलर की वो चलती थी अच्छी मतलब थी ठीक है तो पता हाँ पाकिस्तान की जैसी ना वैसी तो हमने ली ठीक है पहले दिन हम कोर्ट में उतरे हमने कहा ये जिन दिन को जो मैं मेमोरेबल बनाऊंगा पहला गोल दागूंगा मैं ठीक है आज देखता हूँ पहला गोल के दाग के जाऊंगा और इसको आज हिस्ट्री बुक्स में नाम लिखा जाएगा फिर मैं जब बड़ा होऊंगा तो सोचूंगा ऐसे दिन आज मैंने पहला गोल किया था पहला गोल पता है कहाँ किए थे अपने ही पाले में कर दिए थे हमें लगता था बस वो बास्केट बनी होती उसी में गेंद को डाल देना है चाहे इधर वाला हो चाहे उधर वाला ठीक है तो मतलब हम मेरा मेरे खिलाफ़ डिफेक्शन लगा दिया था मेरी टीम वालों ने टेंथ शेड्यूल लगा दिया था <laughs> ये दूसरी टीम से मिला हुआ है बंदा उस दिन हम समझ गए कि ये हमारी बस की ना है ठीक है बस खेलने तो हम एक कारण की वजह से गए थे वो हम बता नहीं सकते हैं कारण अभी लेकिन खैर फिर हम समझ गए थे कि हो नहीं पाएगा ठीक है वो कारण ने भी फिर बाद में खेलना छोड़ दिया लेकिन फिर हम टेबल टेनिस की तरफ शिफ्ट हो गए फिर उसमें ज़्यादा रुझान आने लगा हमारा तो बास्केटबॉल में अभी नंबर ऑफ प्लेयर्स ही बताएंगे यहाँ नहीं बास्केट बॉल वॉलीबॉल हैंडबॉल नेट बॉल बेस बॉल अभी प्लेयर्स बताएंगे बट अभी इसमें इतना याद रखो कि जो बास्केट बॉल होता है इसमें कितनी लेंथ और कितना विथ होता है ठीक है पहला गोल की डेट तो याद नहीं रही लेकिन हाँ <laughs> चलो खैर चलो विथ की बात करते हैं ठीक है विर्थ नाइन्टी फोर फीट मतलब एक टकराहट जरूर याद है हमें अभी तक विर्थ की अगर बात करें पचास फीट वो अभी नहीं बोलते हम 94 फीट और 50 फ़ीट ये लेंथ होती है और ये वेट होती है ये आपको पता होना चाहिए बस इतना ही डायमेंशन की आपको पता होने की ज़रूरत है बाकी तो बास्केटबॉल में टर्म्स वगैरह तो मैंने आपको बता दिए ड्रिबल और पेवर्ट पि, पि, अभी रिसेंट एग्जाम में यही पूछा है और इसमें जितने भी बाकी टर्म्स हैं तो वो आपको उस पी में मिल जाएंगे अच्छा बास्केटबॉल की इसका जो वेट होता है यानी जो बॉल होती है उसका वेट कितना होता है तो बॉल की अगर वेट की बात करें तो इसमें यूजुअली आउंसेज में आपसे पूछता है ठीक है तो 22 टू आउंसेज होता है इसका वेट वैसे कोई फिक्स तो नहीं होता यूजुअली लेकिन हाँ रफली आप वही 22 टू आउंसेज़ मान सकते हो और इसको अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो रफली आप ये मान लो कि छः ग्राम की समथिंग कुछ छः बॉल होती है मतलब आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा की होती है ठीक है है ना न, जीरो पॉइंट सिक्स होती है तो उसमें आप हज़ार का मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग हाँ इतना ही आएगा है ना हाँ ठीक है तो रफली उतना ही निकल के आएगा छः सौ ग्राम के समथिंग वेट होता है ये छः सौ ग्राम वेमेंस की जो होती है वो थोड़ी सी हल्की होती है आ, लेकिन हमारे यहाँ सब मिक्स ही खिलाते थे कि भाई तभी तो हम खेलते थे ठीक <laughs> है तो 600 मीटर रफली छः ग्राम इसकी जो है रफली वेट होता है ठीक है बास्केटबॉल बाकी तो और इसमें याद करने की ज़रूरत है नहीं बिकॉज हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा खिला जाता भी नहीं अभी आते हैं स्पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स पे जैसे बास्केटबॉल होता है ठीक है बास्केटबॉल होता है तो बास्केटबॉल का आपको बता देते हैं ठीक है बास्केटबॉल होता है वॉलीबॉल होता है सारे के देख लेंगे अभी वॉलीबॉल एंड नेटबॉल हैंड बॉल ठीक हैड बॉल नेट बॉल और चौथा होता है आपका एक छूट रहा है दैट इज बेस बॉल ठीक है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बास्केट बॉल वॉली बॉल बाल, नेट बॉल हैंड बॉल और बेसबॉल ये चार हमारे होते हैं अब याद कैसे रखना है भाई सारे बॉल है ना मतलब इनको मैंने क्यों कलेक्टिवली लिखा हुआ है यहाँ पे बिकॉज सब में बॉल लगा हुआ है तो कन्फ्यूजन बड़ा क्रिएट होता है और पूछता भी इसी से सबसे ज़्यादा इसलिए तो ऐसे ही आप रखो कि भाई एक दिन आप पाँच बास्केट यानी कि टोकरी या फिर बाल्टी कुछ भी पाँच बास्केट लेके आए पाँच टोकरी लेके आए उसमें आपने छः वॉली रखी सातों दिन आप हैंड और नेट का यूज़ करते हो ठीक है सातों दिन आप हैंड का यूज़ करते हो लिखने के लिए ठीक है तो सात दिन आप हैंड का यूज़ करते हो तो वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आपने एग्जाम निकाल लिया तो आपको बेस एक मिल जाएगा ठीक है जिस पर आप स्टैंड कर सकते हो तो वो नाइन ठीक है तो इस तरह से ऑर्डर याद रख सकते हो कि पाँच बास्केट लाए छः वॉली रखी उसमें सातों दिन हैंड और नेट वाला वो कर लिया और जो है बेस ऐसे आसानी से तो मिल नहीं जाएगा एक गैप के बाद ही आपको बेस मिलेगा यानी कि आपको कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा मान लो का क्लियर किया तो मतलब मतलब ऐसे मान लो आठ महीने लगे एस का एग्जाम क्लियर करने के बाद और उसके बाद नौ जो है बेस बॉल तो नौ होते हैं बेस बॉल में तो इस तरह से आपको ऑर्डर याद हो जाएगा क्लियर यहां तक सभी को ठीक <coughs> है हाँ जी चलो तो ये हो गया हमारे इसके बाकी तो कबड्डी क्रिकेट और फुटबॉल में तो ग्यारह ही होते हैं चल जाओ भाई इनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है चलो तो कबड्डी फ़ुटबॉल और क्रिकेट इसमें तो यार इलेवन नंबर ऑफ़ प्लेयर्स होते हैं और पूछता भी नहीं है और किस में पूछता है जैसे बेसबॉल के अलावा खो खो में भी जैसे यहीं पर लिख दूँ क्या मैं यहीं पर लिख दूँ क्या नौ प्लेयर्स और किस में होते हैं खो खो में भी नौ प्लेयर्स होते हैं सात प्लेयर और किस में होते हैं सात प्लेयर आपके वाटर पोलो में भी होते हैं वाटर पोलो में भी होते हैं सात प्लेयर आपके कबड्डी में भी होते हैं कबड्डी में भी सात प्लेयर्स ही होते हैं ठीक है हाँ ठीक है अभी और आगे बढ़ते हैं खो खो हो गया पोलो जो खेलते हैं किसकी मृत्यु हुई थी जरा बताइए कौन सा मेडिवल इंडिया का रूलर मरा था ठीक है पोलो और कबड्डी हो गया और एक होता है फुटसाल फुटबॉल की तरह ही होता है फुटसाल करके होता है ठीक है उसमें पांच प्लेयर्स होते हैं फुटसाल करके होता है फुटबॉल की तरह ही थोड़ा थोड़ा होता है और और क्या है और कुछ बचा आपका नहीं ठीक है और अच्छा ये बताओ हाँ आइस हॉकी में कितने होते हैं और आइस हॉकी पता है कहाँ का नेशनल गेम है आइस हॉकी कनाडा खालिस्तान का नेशनल गेम है और बात करें वॉलीबॉल ये जो वॉलीबॉल है यू का नेशनल गेम है यू का नेशनल गेम है चाइना का नेशनल गेम, गेम वो पिंग पॉन दैट इज़ टेबल टेनिस है हमारा हमने बताया कि अनऑफिशियल टाइप है ऑफिशियल नहीं है तो इसलिए वो याद करने की ज़रूरत है नहीं आपको और जो हैंड बॉल है इसमें पूछ लिया था एक बार कि इसकी आ, क्या वो कितनी होती है दैट इज़ इसका वेट कितना होता है हैंड बॉल का तो हैंड बॉल का रफली आप कंसिडर करके चलना चार से लेकर चार ग्राम रफली इसका वेट होता है इसकी बॉल का और एक चीज़ ध्यान रखना एंड दैट इज़ बिलियर्ड्स गेम के रिगार्डिंग कि जो हमारे बिलियर्ड्स में एक बहुत ही फेमस नाम है बिलियर्ड्स या फिर स्नूकर में काफ़ी फेमस नाम है और उनका नाम क्या है फिल करिए जरा क्या नाम है उनका ठीक है गौतम अडवा गौतम या लाल किश्म भर देना यहाँ पे ठीक है तो अडवानी क्या नाम है उनका एस से नाम स्टार्ट होता है जल्दी से बताओ जो बहुत ही फेमस प्लेयर हैं तो बिलियर्ड्स में आप ध्यान रखना इसकी बॉल का वेट कितना होता है तो 160 से ले 170 ग्राम ये भी रफली आपका एक उतना ही वेट होता है एक से लेकर एक ग्राम और ये भी अमीरों का ही खेल होता है आपने देखा होगा ना और बाकी तो ठीक है अब यहाँ पे आ जाते हैं स्पोर्ट्स ऑनर और अवार्ड्स देखते हैं यहाँ पे ठीक है स्पोर्ट्स ऑनर और अवार्ड्स कमेंट क्यों नहीं आ रहे भाई हम्म 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 हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है इसका तो छः इसका बता रहे हो ना हाँ इसका सही है छह प्लेयर्स इसमें होते हैं आइस हॉकी में <laughs> चलो भाई हमको शुक्र है कन्फ्यूज नहीं हुए पं क्यारा हाँ कहे नहीं बिल्कुल बोल रहे हैं क्या अडवाणी यही लगा क्या ना ऑप्शन में है ना क्या अडवाणी ब्रैकेट में लिखा भी होगा प्रीति <laughs> स्पोर्ट्स ऑनर पे आ जाते हैं स्पोर्ट्स ऑनर या फिर अवार्ड पे तो इंडिया की बात करेंगे ऑब्वियसली बात है तो हाईएस्ट जो हमारा अवार्ड है स्पोर्ट्स में दैट इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न राजीव गांधी खेल लेकिन अवार्ड लेकिन 2021 में गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया और मेजर ध्यानचंद पे इसका नाम रख दिया ठीक है अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट रेसिपियंट कौन थे इसके फर्स्ट रेसिपियंट इस पर्टिकुलर अवार्ड के एक तरह से उनको वही मिला होगा राजीव गांधी खेल रत्न क्योंकि पहले तो तब तो यही नाम था और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी नाइन्टीन नाइन्टी में तब स्टार्टिंग हुई थी इसकी उन्नीस सौ इक्यानवे बानवे में फर्स्ट रेसिपियंट थे हमारे पहले ग्रैंड मास्टर एंड दैट इज़ विश्वनाथन आनंद ठीक है विश्वनाथन आनंद ये हमारे पहले ग्रैंड मास्टर थे एंड सबसे यंगेस्ट रेसिपियंट इसके बने थे दो हजार एक में दो <laughs> हजार हाँ दो हजार एक में यंगेस्ट रेसिपिएंट इसके बने थे अभिनव बिंद्रा जब इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीता था तो उससे पहले ठीक है अभिनव बिंद्रा यंगेस्ट रेसिपियंट अठारह साल की उम्र में ठीक है अभिनव बिंद्रा और अभी जो रिसेंट वाला है ठीक है जो अभी एकदम लेटेस्ट वाला है ये किसको मिला है दो लोगों को मिला आपको पता है चिराग शेट्टी को ठीक है चिराग शेट्टी चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज ठीक है सात्विक साईराज रन की रेड्डी ठीक है सात्विक साईराज रन की रेड्डी ये दो लोगों को मिला है अभी सबसे जो लेटेस्ट वाला 2024 वाला ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एंड बाकी तो फर्स्ट चंग लेटेस्ट ठीक है इसमें और कुछ हाँ ये आपसे पूछ सकता है कि इसमें कितने की धनराशि मिलती है तो ध्यान रखिएगा पच्चीस रुप पच्चीस लाख की धनराशि इसमें मिलती है ट्वेंटी लाख की फर्स्ट वेमेन जिनको ये मिला फर्स्ट वेमेन फर्स्ट वेमन वही जो फर्स्ट वेमेन हमारी ओलंपिक से मेडल लेके आई थी कौन थी करना मल्लेश्वरी जी ठीक है वेट लिफ्टिंग में जो कि मेडल लेके आई थी हमारी है ना किस ओलंपिक्स में लेके आई थी बताइए मतलब हमारे अभिनव बिंद्रा जी तो 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल लेके आए थे अभी आते हैं ये कौन सा अवार्ड है ये अवार्ड है हमारा इंडिया का सेकेंड हाइएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर जो दिया जाता है एंड दैट इज़ अर्जुन अवार्ड पहले यही हाईएस्ट हुआ करता था जब तक आपका राजीव गांधी खेल लेते या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रहते नहीं आया था तब यही हुआ करता था सबसे पहला जो अर्जुन अवार्ड है ये दिया गया था 1961 में 1961 में और ये जो है फर्स्ट इसमें जो है आपके 15 लाख रुपए की धनराशि दी, दी जाती है 15 लाख रुपीज़ की अब ये आपसे पूछता है क्योंकि देखो इसमें मैंने बोला विश्वनाथन आनंद को दिया गया जो कि चेस से एसोसिएटेड है लेकिन इसमें बहुत लोग थे जिनको पहला बार मिला 1961 की अगर बात करें तो डिफरेंट स्पोर्ट्स में किसको मिला पहले तो वो पूछ लेता है यहाँ पर जैसे तो एथलेटिक्स में सबसे पहला वाला किसको मिला बैडमिंटन में सबसे पहला वाला किसको मिला ठीक है बास्केटबॉल में सबसे पहला वाला किसको मिला बॉक्सिंग में सबसे पहले वाला किसको मिला बस ये हमारा लास्ट ही टॉपिक है ठीक है इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे चेस में सबसे पहली बार किसको मिला आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में सबसे पहली बार किसको मिला ठीक है आर्चरी हो गया चलो पहले इतने कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं और भी एथलेटिक्स की अगर बात करें तो ये मिला गुरबचन सिंह रंधावा को ठीक है ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा गुरबचन सिंह रंधावा ठीक है पहले रेसिपियंट है एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो बैडमिंटन में नंदू नाटेकर नंदू नाटेकर जी को बास्केटबॉल में शरबजीत सिंह शरबजीत सिंह बॉक्सिंग में यह मिला था क्या नाम था उनका बडी डिसूजा ठीक है बडी डिसूजा और एक चीज़ की यहाँ पे मैंने बॉक्सिंग के जो टर्म्स वगैरह हैं वो सब नहीं करवाए हैं मैं जैसे उन्हें पी डी जो मिलेगी उसमें वो होंगे और मैं आपको बता दूंगा कि इस किसके आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट है जैसे बॉक्सिंग में बाउट होता है तो जो एक मैच खेला एक मतलब जब तक एक पॉइंट स्कोर नहीं हो जाता जब तक रेफरी बीच में कट नहीं कर देता है कट नहीं बोलता तब तक वो बाउट होता है बॉक्सिंग से एसोसिएटेड आपका बाउट ठीक है बाउट आप ध्यान रखिएगा अभी तो क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे भी रिवाइज़ होगा हमारी सारी चीज़ें चेस में अगर बात करें सबसे पहले मिला था मैनुअल एरन को ठीक है मैनुअल एरन को मिला था क्रिकेट में नहीं लिखा चलो कोई नहीं क्रिकेट में सबको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट है और आर्चरी तिरंदाजी तिरंदाजी मिला था ये कृष्णा दास जी हमारे थे ठीक है कृष्णा दास अब देख लेते हैं क्रिकेट का देख लेते हैं और किसका बच्चा है जो पूछता है कबड्डी का पूछ लेता है ठीक है कबड्डी का पूछ लेता है और ज़रूरी नहीं कि इन सबको उन्नीस में ही मिला जैसे कबड्डी वाले भाई साहब को जो हमारे थे वो शेट्टी साहब थे उनको उन्नीस में जाके मिला ठीक है जैसे कुछ लोगों को बासठ मिला लेकिन ये पहले इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से एसोसिएट है जिनको ये मिला क्रिकेट से तो हमारे सलीम दुर्रानी जी कौन है सलीम दुर्रानी और क्रिकेट से एसोसिएटेड ट्रॉफी पता होनी चाहिए रणजी ट्रॉफ़ी होती है देवधर ट्रॉफ़ी होती है दिलीप ट्रॉफ़ी होती है सी के नायडू ट्रॉफी होती है तो ये सब क्रिकेट से एसोसिएटेड है ठीक है और कबड्डी की अगर बात करें तो कबड्डी से यार उनका शट्टी कुछ नाम था एस से नाम था एस और फिर शट्टी क्या नाम था शाहजहाँ शाहानंद आई थिंक थिंको नॉट रॉन्ग शाहानंद शेट्टी ठीक है शाहनंद शेट्टी ठीक तो शेट्टी याद रखेंगे तो भी काम बन जाएगा आपका अभी आते हैं लास्ट अवार्ड पे एंड इज विच अवार्ड ये क्या कर रहे हैं ये जो है पीछे ये सिखा रहे हैं इनको तो क्या है गुरु है ये ठीक है गुरु है हमारे द्रोणाचार्य अवार्ड है ये इसमें भी पंद्रह लाख की धनराशि मिलती है जितने की मिलती है अर्जुन अवार्ड में अब ये पहली ये कब स्टार्ट हुआ था ये 1985 में स्टार्ट हुए थे उन्नीस में ठीक है तीन नाम याद रखना जो सबसे पहला वाला मिला था तीन नाम रेसलिंग में सबसे पहला वाला किसको मिला था ठीक है तीन नाम याद रखना क्योंकि तीन लोगों को ही मिला था उन्नीस में जो पहला वाला था इसलिए इंपॉर्टेंट है एक लोग को मिला था बॉक्सिंग में और एक लोग को मिला था एथलेटिक्स में ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है रेसलिंग में अगर बात करें तो बी 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 दैट इज बालचंद्र बालचंद्र भास्कर भागवत ठीक है बालचंद भागवत या फिर बालचंद भागवत भास्कर होगा ना बालचंद भागवत भास्कर ठीक है बॉक्सिंग में बॉक्सिंग में ध्यान रखना ओम प्रकाश भारद्वाज जी को मिला था एंड एथलेटिक्स में मिला था ओ एम नामबियार क्लियर ये तीन याद रखेगा और पहली विमेन कौन सी थी जिनको मिला था फर्स्ट विमेन फर्स्ट विमेन जिनको ये मिला हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये है हमारी हंसा शर्मा जी तो हमारी शर्मा जी को मिला हंसा शर्मा और हंसा शर्मा किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से रिसेटेड है ये पूछ सकता है वेट लिफ्टिंग लेकिन ये 1985 में नहीं मिला था 1985 में सिर्फ इन्हीं तीन लोगों को मिला था ये उन्नीस सौ पिचासी में मैं नहीं दो हज़ार में मिला था ये सन दो हज़ार में और यहाँ पे अर्जुन अवार्ड में नहीं, नहीं बताया ना पहला वाला किसको मिला था तो पहला ध्यान रखना मीना शाह को मिला था ये ठीक है फर्स्ट विमेन जो थी जिनको मिला वॉज मीना शाह मीना शाह नाइनटीन में इनको मिला था बैडमिंटन एसोसिएटेड है ये ठीक है तनवी शाह कुछ बताया था शाह पहली वीमन जिनको कौन सा अवार्ड मिला था बताइए जल्दी से तो खत्म होता है यहाँ पे क्वेश्चंस पे जल्दी से जंप करते हैं बिकॉज मुझे पता है तुम लोगों को भूख लग रही होगी क्योंकि मुझे भी लग रही है है ना और टाइम हमारे पास ज़्यादा बाकी है नहीं तो करते हैं जितने क्वेश्चन कर सकते हैं करिए पहला करिए लंबा राम इज एसोसिएटेड विद तो यार से एसोसिएटेड क्वेश्चन है ये ठीक है पी डी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जो आप लोगों का है ग्रामी बिल्कुल ग्रामी 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 सही है पानी पी लेते यार काफ़ी हो गया टाइम लिंबा राम एथलेटिक्स ठीक है ये करंट एसोसिएटेड थे इसलिए पूछा गया था द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज अफिलेटेड विद किससे एसोसिएटेड है ग्राम मिला था सबका सही है भाई अगला क्वेश्चन करो अगला क्वेश्चन है द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज एफिलियेटेड टू तो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ फिर कमेटी तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से एसोसिएट है जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है लॉसान स्विट्जरलैंड में है पहले पेरिस में था ठीक है पी ड्यूब क्यूबर्टिन ने इसको सेटअप किया था हमारे विकेलास भाई विकास भाई साथ आ, भाई साहब के साथ मिलकर लेकिन बाद में पैरिस से उसका लॉसान शिफ्ट हो गया था इन विच ईयर डिड दी इंडिया ऑर्गेनाइज द एशियन गेम्स फॉर द सेकेंड टाइम तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एशियन गेम जो सबसे पहले होस्ट किए थे वो इंडिया ने किए थे 1951 में 1982 में इंडिया ने सेकेंड टाइम होस्ट किया था सबसे ज़्यादा बार किसने होस्ट किया ज़रा बताइए हाउ मैनी सर्कल्स डज अ टारगेट हैव इन आर्चरी तो आर्चरी जो होती है तीरंदाजी उसमें कितने टारगेट होते हैं मतलब कितने सर्कल होते हैं कितने गोले होते हैं तो 12, 10 या 8 है फिर 15 और जो पिछला मैंने क्वेश्चन पूछा सबसे ज़्यादा बार किसने हो उसके एशियन गेम्स को चार बार किया थाईलैंड ने और साउथ कोरिया ने कितनी बार किया तीन बार मात्र किया ठीक है इंडिया ने दो बार किया तो आर्चरी में होते हैं दस गोले अगर आप देखोगे इस तरह से टोटल दस गोले बने होते हैं ये देखो बने तो हैं ये देखो दस गोले टोटल बने हैं ठीक है कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं यानी कॉमन सेंटर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और इसमें हमारे आर्चरी में एक अतानु शाह है ना अतानु दास ठीक है अतानु दास और दीपिका कुमारी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं दीपिका कुमारी और अतानू दास ये टॉप प्लेयर्स हैं इंडिया में दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हैं जैसे हमारा जो स्क्वैश है स्क्वैश आपने देखा स्क्वैश के स्क्वैश में दीपिका पल्लिकल है दिनेश कार्तिक की वाइफ स्क्वैश में इस तरह से एक कांच पूरा एक ग्लास केस कवर लगा होता है अगर आपने देखा होगा पूरा ग्लास का लगा होता है और उसमें टेनिस की तरह रैकेट होता है और उसमें बॉल को मारना होता है दीवाल पे जैसे 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 नहीं अब पता आपका तो पता नहीं लेकिन जैसे क्रिकेट खेलते थे जैसे मान लो कि कोई नहीं है खेलने वाला तो बॉल को मार मार के खेलते थे बैट लेते थे बॉल को मारते थे और तुम लोगों ने हरकत तो करी होगी छोटे में कि भाई पूरा टेस्ट मैच खेल जाते हम सुबह जाते थे एकदम बैट लेके आज जो है हम सेंचुरी मार के आएंगे दिवाले मारते थे ये इसको बाउंड्री फिक्स कर रखे थे यहाँ जाएगी बाउंड्री होगी डायरेक्ट जाएगी तो सिक्स होगा यहाँ पे एक रन लेंगे यहाँ पे दोन ऐसे करके सेंचुरी आते फिर हम फिर आते थे नीचे लाओ नाश्ता लाओ सेंचुरी मार के आया सचिन तेंदुलकर ठीक है तो वैसे तुमने भी किया होगा तो वैसे ही स्क्वैश होता है दिवाले मार मार खेला जाता है एक प्लेयर मारता है फिर वो हट जाता है फिर दूसरा मारता है इस तरह से एक सेकंड रुकिएगा चलो भाई तो ड्यू टू वर्ल्ड वॉर वन एंड टू द ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड इन विच ईयर तो ओलंपिक गेम कब नहीं हुए तो आपको पता है सौ सोलह में 40 में 44 में ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा सबको सबका सही आंसर होगा लेट बॉल स्ट्रोक बॉल नो लेट आदि पार्ट ऑफ विच गेम देखो स्क्वैश जिसकी अभी बात कर रहे थे वही है स्क्वैश जिसकी अभी मैं बात कर रहा था है ना हमारी जो दीपिका पल्लीकल है दिनेश कार्तिक की वाइफ सेकेंड वाइफ है ना फर्स्ट का तो केस आपको पता होगा है ना मुरली विजय तो खैर नहीं पता तो मत जानिएगा आंसर होगा स्क्वैश ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा लेट बॉल स्ट्रोक बॉल नो लेट इन टेबल टेनिस द पीरियड ड्यूरिंग विच अ बॉल इज इन प्लेस कॉल्ड एज तो जब पूरा बॉल प्ले में रहता है क्या ऑफरिंग किया था क्या जब बॉल प्ले में रहता है उसको क्या बोलते हैं बिल्कुल ठीक है ध्यान रखिएगा स्क्वैश में एक प्लेयर है हमारी चौदह साल की है अभी तो पंद्रह की हो गई होंगी आई थिंक ठीक है ठीक है राशिद खान की तरह तो नहीं चल रहा होगा अनाहत सिंह ठीक है ये स्क्वाज से एसोसिएटेड है और ये नेम ध्यान रखिएगा जैसे दीपिका पल्ली कल है वैसे अनाहत सिंह का नाम याद रखिएगा ठीक है टेबल टेनिस में रैली बोलते हैं रैली आपकी चल रैली जब तक कि कोई स्कोर नहीं कर लेता है पॉइंट को तो आ, उसने मारा इसने मारा उसने मारा इसने मारा ऐसे ही बैडमिंटन में भी उसमें बैडमिंटन में भी होती है और टेनिस में भी होती है है ना कि कितनी जितनी लंबी रैली चलती उतना देखने वालों को मजा आता है ये गया ये गया फिर उसने मारा फिर इसने मारा तो वो रैली कहलाती है ठीक है और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ लेट्स अलाउड होते हैं टेबल टेनिस में कितनी बार आप मार सकते हो तो इनफाइनाइट टाइम्स इनफाइनाइट लेट्स अलाउड होते हैं टेबल टेनिस में चीज़ ध्यान रखिएगा ठीक है आगे बढ़िए और अगला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस कंट्री से हैं पता है जल्दी जल्दी करेंगे ठीक है द रूल दैट इट कैन मूव ओनली वन स्क्वायर इन एनी डायरेक्शन एक स्क्वायर चल सकता है किसी डायरेक्शन में आगे पीछे दाएं बाएं तो क्या बोलते हैं सोकिंग बोलते हैं ना किंग होता है वो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा ठीक है ठीक है किंग होगा ठीक है इन विच ईयर था और वो घोड़ा जो होता है वो एल एल उसके लगे रहते हैं मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था बताइए पिछले लेक्चर में किए थे मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था तो 1973 में वेमेस स्टार्ट हुआ था ठीक है और 1975 में मैन और पहला ओडीआई कब खेला गया था ज़रा बताइए पहला ओडीआई कब खेला गया था वट इज़ दी मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जिमनास्टिक एंड डांस ऑन हॉर्स बैक क्या होता है जाउस्टिंग बैरल रेसिंग इक्वेस्ट वॉल्टिंग एफिस पीपल चेस ये होता है इक्वेस्टियन वॉल्टिंग ये होता है घुड़सवारी टाइप होता है ये इक्वेस्टियन इससे एसोसिएटेड ट्रम्प टर्म्स पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट इसलिए है मैं अभी बताता हूँ ड्रेसेज हो गया वॉल्टिंग हो गया शो जंपिंग हो गया ड्रेसिंग हो गया वॉल्टिंग हो गया शो जंपिंग हो गया इससे एसोसिएटेड टर्म्स हैं याद रखिएगा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी पहली फीमेल इंडियन फीमेल प्लेयर बनी है जिनको कि अर्जुन अवार्ड मिला है अर्जुन uh, अवार्ड मिला इस पर्टिकुलर डिसाइपल में इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में और उनका नाम क्या है उनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह ठीक है दिव्य कीर्ति सिंह राजस्थान से हैं और ये पहली फीमेल प्लेयर बनी है बनी है जिनको इक्वेस्ट्रियन के लिए मिला है ये अर्जुन अवार्ड ठीक है ड्रेसेज डी आर ई -E डबल एस ए जी ई -E, वॉल्टिंग शो जंपिंग इन विच ईयर वॉज फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्टेड तो पहला क्रिकेट का ओडीआई कब हुआ था 1971 में खेला गया था फर्स्ट टेस्ट मैच एटीन में तो फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में स्टार्ट हुआ था देख चुके हैं यूरोपिया में खेला गया तो यूरोगिया ने जीता था फर्स्ट साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स कब खेले गए थे थे कहाँ पर खेले गए थे तो फर्स्ट साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स नाइटीन एटी काठमांडू काठमांडू नेपाल में खेले गए थे ठीक है द एथलेटिक्स और काठमांडू में और किस ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है जरा बताइए दिव्य कीर्ति सिंह सही है अगला हमारा द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका अच्छा ये पूछ रहा है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ये कब फॉर्म हुआ था आपका नाइनटीन फोर्टी नाइनटीन फोर्टी या फिर नाइनटीन फोर्टी एट तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये नाइनटीन फोर्टी तो एक साल पहले हाँ इसी साल हुआ था नाइनटीन फोर्टी सिक्स में है ना हाँ ठीक है नाइनटीन फोर्टी सिक्स में हुआ था और क्या क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कुछ नहीं और क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने कुछ तो क्वेश्चन पूछा था ना यहाँ पे हाँ यहाँ पे मैंने पूछा था आपसे कि किस क्वार्टर uh, किसका है तो सार्क का हेड क्वार्टर है यहाँ पे ठीक है जो सार्क है हमारा उसका हेड क्वार्टर दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन का हेड क्वार्टर यहाँ बना था वो ढाका बांग्लादेश में लेकिन हेड क्वार्टर यहाँ पे और है और ढाका में क्वार्टर है बीम्सटेक का डैश ऑस्ट्री दी सेकेंड ओलंपिक गेम्स तो पहले हम सब जानते हैं एटीन ग्रीस एथेंस और सेकेंड भी मैंने बताया था जहाँ पर हमारे नॉर्मन रिचर्ड जी ने पार्टिसिपेट किया था है ना पहले पहले हमारे थे लेकिन पहली बार हमने टीम भेजी थी 1920 के ओलंपिक्स में बेल्जियम में आंसर होगा गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फ्रांस 1900 हंड्रेड रंगा स्वामी कप किससे से एसोसिएट है मैंने बताया था आगा खां कप रंगा स्वामी कप किससे सेट है हॉकी से ऑप्शन नंबर सी सुल्तान जवाहर कप सुल्तान अजलान शाह कप ये भी आपके किससे नेहरू ट्रॉफी हो गई आपकी है ना तो ये सब हमारे हॉकी से एसोसिएटेड हैं अगला हमारा विच आर फर्स्ट विच वॉज कंट्री टू होस्ट द एशियन गेम्स पहली कंट्री कौन थी 1951 ठीक है विच इज दी ओनली पीस इन चेस दैट कैन टू एनी स्क्वायर इन एल शेप एल शेप एल किसके लगे होते हैं घोड़े के लगे होते हैं घोड़े क्या बोलते हैं किंग तो हमारा शहजादा है क्वीन तो रानी नाइट, है नाइट ठीक है नाइट ठीक है ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पे एसोसिएटेड है कहाँ पे बेस्ड है नेताजी सुभाष चंद्र सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ये आपका पटियाला में ऑप्शन नंबर ए विद विच स्पोर्ट इज द ओवल स्टेडियम एसोसिएटेड ओवल स्टेडियम सभी ने सुना होगा रिकॉल करो ओवल क्रिकेट स्टेडियम ओवल क्रिकेट स्टेडियम तुम सुनते हो जैसे कि ये कहाँ पे ये इंग्लैंड में है ये है ना जैसे मेलबोर्न सुनते हो ऑस्ट्रेलिया में है वैसे ओवल है आपका पड़ता है कहाँ पे इंग्लैंड में है वट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुटबॉल के जो गोल पोस्ट्स होते हैं उनके बीच में क्या डिस्टेंस होती है फुटबॉल के गोल पोस्ट के बीच में डिस्टेंस होती है मैंने बताई थी सेवन पॉइंट थ्री टू मीटर्स की सेवन पॉइंट थ्री टू मीटर्स की डिस्टेंस होती है जो कि रफली ट्वेंटी फोर फीट बैठती है ना चौबीस फीट अगला है हमारा ट्वेंटी टू वी जो तो फॉलोविंग इज नॉट एन इक्वेस्टियन डिसाइपल डिसिप्लिन तो इसमें से कौन सा से टर्म इक्वेस्टियन स्पोर्ट्स एसोसिएट नहीं है तो मैंने आपसे अब मुझे याद आ रहा है मैंने पूछा था पोलो से किसकी डेथ हुई थी तो कुतुबुद्दीन एबक की डेथ हुई थी जिसको चौगान को नाम से भी बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ड्रेसेज भी होता है वॉल्टिंग भी होता है शो जंपिंग भी होता है स्प्रिंट है तो आपका वो हम रनिंग में लगाते हैं ना स्प्रिंट हंड्रेड मीटर का स्प्रिंट इन अ वॉलीबॉल गेम ईच टीम कम्प्राइज ऑफ हाउ मैनी तो याद करो पांच बास्केट लाए थे छह वॉली सातों दिन हैंड और नेट का यूज़ और नौ बेस बॉल ठीक है नौ बेस में लिया तो, तो आंसर क्या होगा आंसर होगा इसमें वॉलीबॉल में आपके होंगे छह प्लेयर्स ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा ठीक है और और सात प्लेयर और किस में होते हैं वॉटर है, पोलो में होते हैं ठीक है पोलो में ध्यान रखियो हो, चार होते हैं पोलो में चार होते हैं वाटर पोलो में सात होते हैं नौ प्लेयर और किस में होते हैं नौ प्लेयर होते हैं खो खो में खो खो भी खेले हो गए तुम्हें ना खो खो इतना एकदम गधों वाला गेम लगता है खो खो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर्गनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हमारे स्कूल में यही था गेम के नाम पर खोखो खिलाते थे, थे। कुछ जगह जा, ज्यादा लगती नहीं थी मैं बिठा दो इधर एक उधर एक उधर एक उधर प्रथम राष्ट्रमंडल खेल तभी हुए थे जब आपके पहले फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जब है ना हु इज़ दी फर्स्ट इंडियन इंडियन टू पार्टिसिपेट इन सुपर हैवी वेट बॉक्सिंग इवेंट इन दी दो हज़ार बीस ओलम्पिक गेम्स सुपर हैवी वेट सुपर हैवी वेट ये थे हमारे सतीश कुमार यादव जी जिन्होंने पहली बार सुपर हैवी वेट बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट किया था ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा ड्यूरिंग अ गेम ऑफ हॉकी फॉलोइंग एन ऑफेंस इफ अ इज शो ना येलो कार्ड येलो येलो कार्ड पहले ग्रीन कार्ड होता था ग्रीन कार्ड होता है ठीक है देन आपका येलो कार्ड होता है देन आपका रेड कार्ड होता है ठीक है तो येलो कार्ड में आपका लिखा हुआ है अच्छा ठीक है तो कोई नहीं पाँच मिनट ही होगा इसमें ठीक है देखो होता क्या न? ना ग्रीन में यूजली दो से पाँच मिनट का सस्पेंशन होता है तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम इसमें होता है पाँच से दस मिनट का तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम और इसमें आउट ही हो जाता है तो इसमें क्या मिनिमम वाला लिख दिया इसमें उन्होंने मिनिमम वाला लिख दिया तो मिनिमम वाला फिर लगाएंगे ठीक है येलो कार्ड में आपका पाँच मिनट का होगा अगर मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम दस मिनिमम पाँच मैक्सिमम दस ग्रीन में मिनिमम दो मैक्सिमम पाँच ठीक है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल ये तो आप कर ही लोगे सैयद मोदी किसमें होता है बैडमिंटन में होता है जैसे कि आपका उसमें होता है थॉमस होता है कप और ऊबेर कप होता है है ना चलो इंडियाज़ रैंक इन टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की रैंक कितनी थी 48 थी 48 थी वो वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ अर्जुन अवार्ड इन कबड्डी 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 कड्डी कौन है शट्टी जी होंगे हाँ सही नाम लिखा था मैंने सहानंद ही है ठीक है सहानंद महादेव चट्टी शट्टी शट्टी ठीक है शट्टी कौन है हमारा तो ऑप्शन नंबर सी सहान सहानंद महादेव शेट्टी चिल्ल, खेलते थे काफी गुस्सेल टाइप के प्लेयर थे देखा तुमने इनको खेलते हुए काफी गुस्सेल टाइप के जैसे गौतम गंभीर है ना गौतम गंभीर टाइप के द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ पॉन्स प्यादे कितने होते हैं प्यादे प्यादे कितने होते हैं कितने होते हैं प्यादे कितने होते हैं यहाँ पे यानी कि पॉन्स पूछ रहा है ना कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछना चाहिए तो टोटल तो बत्तीस होते हैं अच्छा सिर्फ पॉन्स पूछा है ना दोनों टीम के अगर जोड़ लेंगे तो सोलह हो जाएंगे फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दोनों टीम के जोड़ लेंगे तो सोलह हो जाएंगे आठ होते हैं ना आठ तो दोनों टीम पे जोड़ के सोलह हो जाएंगे ठीक है वट इज दी हाइट ऑफ बैडमिंटन नेट की हाइट कितनी होती है लो भैया बात कर लो तो अब देखो तो मैंने बताया तो पांच फीट होगी या तो पांच फीट एक इंच होगा है ना किनारों में पांच फीट एक इंच होता है वट इज द डायमेंशन ऑफ द कबड्डी लो कबड्डी का पूछ लिया क्या आंसर होगा तेरह बटे दस होगा ऑप्शन नंबर ए तेरह बटे दस लिंथोई चंग लिंथोई चंबम किससे तरह से क्रिकेट जूडो चेस बैडमिंटन बताओ जल्दी से भाई लिंथोई चम्ब कभी क्रिकेट में नाम सुने हो तुम नहीं सुने हो चेस में भी नाम नहीं सुने होंगे जूडो ठीक है जूडो से सुने विच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डज नॉट हैव इट्स एपेक्स इन नेशनल गवर्निंग बॉडी हेडक्वार्टर इन न्यू डेली किसका हेडक्वार्टर न्यू डेली में नहीं लोकेटेड है बता दो तो मैंने बताया था सबके हेडक्वार्टर न्यू डेली में एक्सेप्ट वन एंड दैट इज वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसका कि कहाँ पे है चेन्नई तमिलनाडु में ठीक है हाउ मेनी बॉल्स आर देर इन एन ओवर इन क्रिकेट तो कितनी बॉल्स होती हैं तो यार सबको पता है बच्चे बच्चे को पता है छः गेंदें होती हैं फुटबॉल अ किक इज अवॉर्डेड टू द अपोजिशन प्लेयर एन अ प्लेयर हैज कम्पियड अ फाउल वॉट इज अ किक कॉल्ड इन अ फुटबॉल अ किक इज अवॉर्डेड टू द अपोजिशन प्लेयर वनप्य ठीक है क्या बोलते हैं इसको तो इसको बोलते हैं फ्री किक ठीक है फ्री किक वो सीजर किक होती है जो वो लगाते हैं लेकिन वो फाउल से कोई एसोसिएट नहीं है फ्री किक होती है ठीक तो है द टर्म इनिंग फिर खो खो तो इनिंग किसमें होती है मैंने तो यार सिर्फ इसी में सुना है क्रिकेट में ही और किसमें होगी बास्केटबॉल में वॉलीबॉल में हो में, में सकती क्रिकेट में बेसबॉल में होती होगी क्रिकेट की तरह ये बेसबॉल होता है तो बेसबॉल में भी होती होगी बेसबॉल बेसबॉल भी ऑप्शन में नहीं है ये तो मोए मोए हो गया भाई खो खो में तो इनिंग होती नहीं होगी ठीक है मेरे हिसाब से वॉलीबॉल होगा फिर ऑप्शन नंबर सी इनिंग होती होगी इसमें बेस में तो होती है पक्का वाला श्योर बेस में तो होती है इसी में होगी ठीक है बेस या तो हो सकता है कि थोड़ा मिसटाइपिंग हो या फिर हो सकता है कि ऐसे सी नहीं कुछ गलत पूछ लिया हो सी का क्वेश्चन है वॉलीबॉल मेरे हिसाब से होना चाहिए हॉकी होगा पक्का क्या गुरु जी घर जाना है तो भाई जाओ ना यार घर <laughs> घर जाना तो जाओ देख लेंगे इसको कोई नहीं होगा तो एक बार कंफर्म कर देंगे तो हॉकी है तो वॉलीबॉल होगा मेरे हिसाब से वॉलीबॉल होना चाहिए मेरे हिसाब से तो खोखा होता होगा अरे होता होगा होने में तो कुछ भी हो सकता है इन एंड द गेम ऑफ आइस हॉकी कितने प्लेयर होते हैं नॉर्मल तो नॉर्मल मैंने बताता आइस हॉकी में छः होते हैं ठीक है आइस हॉकी में छः होते हैं टी ट्वेंटी मेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट कितनी बार जीता है तो पहली बार वाला जीता तो 2007 में कहाँ हुआ था तो ज़रा बताओ जल्दी से सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है सबसे ज़्यादा बार जीता है वेस्ट इंडीज़ ने दो बार जीता है लेटेस्ट वाला इंग्लैंड ने जीता है ठीक है वो भी दो दो बार जीता है ठीक है और दो साथ में साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और इस बार वाला जो इसी साल होगा वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा शेप ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट क्या होता है शेप ऑफ बाटबॉल हो सर्कल रेक्टेंगल स्क्वायर फिट ट्राएंगल ट्राएंगल तो हो गए ठीक है सर्कल भी नहीं होता रेक्टेंगल होता ऑप्शन नंबर बी इन टेस्ट मैच हाउ मेनी मिनिमम ओवर्स कैन अ टीम प्ले इन अ डे एक दिन में मिनिमम ओवर्स कितने खेलने होंगे नब्बे ठीक है किस दर से पंद्रह ओवर पर घंटा की दर से ठीक है नब्बे ओवर मिनिमम क्रिकेट बिकेम एन इंटरनेशनल गेम विद द फॉर्मेशन ऑफ आईसीसी इन द ईयर डैश यानी जब आईसीसी बना, तो बना था तो क्रिकेट फॉर्मल गेम बना था आईसीसी सी सी का हेडक्वार्टर बताओ जो मैं बता चुका हूँ आपको कब बना था आई सी सी हेडक्वार्टर मतलब आई तो मैं हिंट देता हूँ आपको जिस साल मॉर्ले मिनटो रिफॉर्म आया था आपका बताओ जल्दी से तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर दुबई यू में इसका हेडक्वार्टर है और नाइनटीन में यह बना था बास्केटबॉल गेम में कितने प्लेयर होते हैं तो यार कितनी बास्केट लाए थे तुम पांच उठा के लाए थे छः वॉली रखी थी उस सात बेस और हैं नेट बॉल ठीक है सॉरी सात हैंड बॉल और नेटबॉ बेस बॉल तो न होते हैं फर्स्ट इंडियन हुआ ऑनअ मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला मेडल जीतने वाले कौन थे ना अंजू बॉबी जॉर्ज ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा द टर्म ड्रिबल ड्रिबल मैंने दो बताया था एक तो हॉकी में बताया था और एक बास्केटबॉल में बताया था डक 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 डे धीरे 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 नहीं ऐसे नीचे नहीं देखोग नीचे एकदम नीचे सिर झुका के एकदम एक ऐसे 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 हल्का हल्का मारते 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 पिवट करते हुए ड्रिबल एंड पिवट ड्रिबल एंड पिवेट ड्रिबल एंड पिवट रिलेटेड है बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है फोर्टी सेवन वॉट इज़ द स्टैंडर्ड वेट ऑफ हॉकी बॉल तो हॉकी बॉल कितना वेट होता है बताया था एक सौ छप्पन से लेके कर एक सौ तिरसठ ग्राम का वेट होता है किसका हॉकी बॉल का ठीक है और आगे बढ़ें अभी और फुटबॉल का कितना होता है लगभग चार सौ दस ग्राम से लेके चार सौ साठ ग्राम का होता है फुटबॉल का बॉल कलर इन स्पोर्ट ऑफ बॉल बैडमिंटन अब बॉल बैडमिंटन क्या होता है तो बैडमिंटन में होता है वो चिड़िया ठीक है सफ़ेद कलर की होती है चिड़िया होती है चिड़िया वैसे बॉल बैडमिंटन में बॉल होती है येलो कलर की होती है बॉल ये और कहीं नहीं इंडिया में ही खेला जाता है इंडिया की ही उत्पत्ति है बॉल बैडमिंटन बैडमिंटन भी वैसे अंग्रे अंग्रेजों ने इसकी उत्पत्ति करी थी लेकिन भारत में ही करी थी वो हमको लगा देते थे काम में और ख़ुद खेलते थे स्पोर्ट्स ठीक है तो इंडिया में पत्ती होती है और ये तो अभी भी बॉल बैडमिंटन इंडिया में खेला जाता है और येलो कलर का होता तो है बहुत खटखट कर, -कर, -कर, कर बहुत तेज़ी से खेला जाता है ठीक है क्योंकि बॉल बहुत स्पीड के साथ आती है ना वट इज़ दी वेट ऑफ द बॉल इन हैंड बॉल हैंड बॉल का वेट कितना कितना होता है तो, तो जो आप कि जो बॉल्स होती है हैंड में उसका वेट कितना होता है यहाँ पे सिर्फ एक बॉल का वेट पूछ रहा है तो सही आंसर होगा यहाँ पे 425 से लेकर 475 ग्राम ऑप्शन नंबर ए अगला है द एथ क्वेश्चन सारे ख़त्म करेंगे भाई आज क्योंकि आज आखिरी दिन है हमारे वीक का तो आज कुछ छोड़ के नहीं जाना है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है अहमदाबाद में है मीराबाई चानू सभी जानते हैं यार पहले दिन ही मेडल दिलाई थी सिल्वर मेडल हमारे किस में वेट लिफ्टिंग ऑप्शन नंबर डी हाँ शटल कॉक बोलते हैं भैया चिड़िया या फिर शटल कॉक जो भी बोल लो इन विच डिड पाकिस्तान दी कबड्डी वर्ल्ड कप कबड्डी वर्ल्ड कप कैसे जीता था सर प्लीज डोंट वीडियो ठीक ठीक है थोड़ा सा इसको फोर्टी फाइव रख लेंगे जल्दी से बताओ इन विच डिड पाकिस्तान दी कबड्डी वर्ल्ड कप कब जीता ये पाकिस्तान हमारा कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 में जीता 2014 में जीता 2020 में जीता या फिर 2020 में फिर 2013 वाला जीता था तो 2016 में तो यार इंडिया जीता था 2020 वाला जीता है इसने ठीक है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा अगला है लेंथ ऑफ द मेंस कबड्डी कोर्ट कितना होता है लेंथ तेरह बटे दस होता है ठीक है अगला हमारा इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ मनाए गए थे तो जनजातीय राज्य कौन सा हमारा ये होंगे आपके उड़ीसा में ऑप्शन नंबर ए <clears throat> और उड़ीसा में सबसे इंडिया का हाई सबसे बड़ा क्रिके ये हॉकी स्टेडियम है क्या नाम है उसका बिरसा मुंडा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है आपका ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है मनिका बत्रा मनिका बत्रा वॉन दी ब्रॉन्ज मेडल ठीक है मनिका बत्रा वॉन दी ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन कप शी बिलोंग्स टू शी बिलोंग्स टू टेबल टेनिस मनिका बत्रा हो गई हमारी ठीक है और आ, अकुला क्या नाम था यार उनका मैं बार बार भूल जाता हूँ श्रीजा अकुल नाम था उनका और भाविना पटेल हो गई और अचंता शरद कमल अचंता शरद कमल अभी टॉर्च सॉरी फ्लैग बियर रहने वाले टॉर्च बीरर तो अभिनव बिंद्रा होंगे फ्लैग बियर होंगे हमारे अचंता शरद कमल विनेश फोगाट ठीक है बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन हाउ मेनी मेडल एट वर्ल्ड चैंपियन मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है अभी ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो दो मेडल जीते थे उन्होंने ठीक है ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दो मेडल जीते थे तो, और ये अभी इसलिए भी क्वेश्चन पूछा था बिकॉज आपको पता है वो जो ब्रिजभूषण दुबे वाला जो केस चल रहा था उसकी वजह से है ना 57. सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स दी एवरेज नंबर ऑफ रन बैटर चलो 60 तक क्वेश्चन करेंगे उसके बियॉन्ड नहीं करेंगे फिर ठीक है 60 तक रनस अब बैटर मेक्स अ हंड्रेड डिलीवरीज इन क्रिकेट जो द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एवरेज नंबर ऑफ रन ठीक है 100 डिलीवरीज uh, uh, में कितने रन बनाता है उसको बोलते हैं स्ट्राइक रेट बैटिंग एवरेज नहीं स्ट्राइक रेट एवरेज से एवरेज मत लगा देना स्ट्राइक रेट बोलते हैं इसको ठीक है और अच्छा बताओ जो चलो पूछता हूँ जो मैनकेड है ठीक है मैनकेडिंग किस आ, से, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड टर्म है मैनकेडिंग क्या होता है fencing, 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 fencing से आपका होता है जो आपने तो तलवारबाजी देखी है तलवार तलवारबाजी आपने देखी है एकदम पूरा वो लगा के एकदम कवच लगा के ठीक है कवच लगा के पूरा वो खेला जाता है ठीक है तो वो होता है आपका फेंसिंग और सही आंसर होगा इसका इसमें बाउट होता है बाउट आपका बॉक्सिंग में भी होता है और इसमें भी होता है जिसमें भी लड़ाई टाइप होती है उसमें बाउट होता है यहाँ पे एक नाम याद रखना भवानी देवी पिछले ओलंपिक में एकमात्र पहली फीमेल बनी थी जिनको फेंसिंग के लिए सिलेक्ट किया गया था क्वालिफाई करी थी ओलंपिक्स में मतलब पहली ही बनी थी ठीक है ठीके? और उसमें मैंने बताया कि नहीं आपको गोल्फ में गोल्फ में ध्यान रखना एक तो ज्योति रंधावा फीमेल नहीं है मेल है ज्योति रंधावा आदित्य अशोक ये दो नाम याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्स एसोसिएटेड ये तो बहुत ही याद रखिएगा ज्योति रंधावा जी का ठीक है गोल्ड एसोसिएटेड टर्म एलबर्ट रॉस ईगल डबल ईगल ठीक है ये मैं आपको वैसे स्पोर्ट्स बता दूंगा तो जिरिच डायमंड लीग हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जैवलिन एज टू विन द गोल्ड एट द जिरिच इंटरनेशनल डायमंड लीग तो ये जीता था हमारे नीरज चोपड़ा जी ने सभी को पता होगा ठीक है क्रिकेट एसोसिएटेड है बिल्कुल मैन कैडिंग ठीक है और कौन करता है ये हमारे एक प्लेयर थे इंडिया के उनका नाम मैनकट करके ही कुछ था मैनकट आई थिंक विकास मैनकट ऐसे करके कुछ नाम था उनका उन्हीं के नाम पे पढ़ा था उन्होंने सबसे पहली बार किया था और मुझे उम्मीद तो यही सबको पता होगा कि होता क्या है ना कि जब बॉलर बॉलिंग करने के लिए आता है, तो यहाँ पर जो आ, रिटर्निंग क्रीज होती है रिटर्निंग क्रीज पर यह बंदा जो है खड़ा रहता है कौन आ, ये मतलब जो रन लेने के लिए खड़ा रहता है एक तो फेस करेगा बॉल को वो और एक दूसरा जो खड़ा रहता है दूसरे एंड पे वो पहले ही भागने लगता है पहले रन कंप्लीट करने लगता है तो इस चक्कर में क्या करता है बॉलर दौड़ता हुआ आता है दौड़ता हुआ आता है और मार देता है विकेट में यहाँ पे, मार देता है विकेट में कि और तुम बाहर निकल लो वो बॉलर पे डिपेंड करता है कि वो अपील करना चाहता था कि नहीं करना चाहता है। लश्विन जी अगर हो तो वो तो बिल्कुल अपील करेंगे जॉर्ज बटलर इसके भुग तो होगी <laughs> अरे जॉर्ज सेटलर भुक्त तो होगी अश्विन कर देते हैं अश्विन नहीं मानते हैं अश्विन बोलते हैं कि सीधे निकलो कहाँ निकले बाहर तुम अपनी क्रीज से वहीं रहो जब तक हम गेंद फेंक नहीं देते हैं सिक्सटी वॉट इज द वेट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन है वॉट द वेट ऑफ द कोर्ट फॉर डबल्स मैच इन लॉन्टेनिस डबल्स की बात हो रही है सर डबल्स की तो डबल्स में हमने देखा था कितना हो जाता है डबल्स में डबल्स में हो जाता है ये थर्टी टू फीट्स ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा और यहाँ पे अब इतने तो कर ही सकते हैं ठीक है थीके? देख देख लो अभी भी दस क्वेश्चन बाकी हैं तो दस क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे हाँ विनू विनु विनु मैनकड उनका नाम है ठीक है विनु मैनकड नाम है उनका और उन उनके ही नाम पे इसका वो पढ़ा था बिल्कुल चलो भाई काफी आज लंबा लेक्चर हो गया दो घंटे का लेक्चर हो गया यार मुझे पता नहीं था इतना लंबा लेक्चर चला जाएगा लेकिन खैर कोई नहीं आखिरी लेक्चर था अब कल के लिए क्या ही छोड़ते अब अगर क्वेश्चन करवा देते बैच में तो रो Uh, रोने लगते लोग कुछ लोग हाँ छत्तीस फीट होगा ठीक है थर्टी सिक्स फीट होगा उसका होता है मतलब ट्वेंटी सेवन फ़ीट सिंगल्स के लिए होता है ट्वेंटी सेवन फ़ीट और इसका होता है छत्तीस फीट ठीक है अब कुछ लोग रोने लगते अगर मैं क्वेश्चन करवा देता वहाँ पे बैच में कि ले हमसे भेदभाव कर रहे हैं ठीक है हम भी अगर आ, बैच <laughs> ठीक है तो सर ये पीडीएफ डी कहाँ से मिलेगा ये प्राइवेट टेलीग्राम पे मिल जाएगा ये बैच की वीडियोस हैं ठीक है तो जो लोग बैच में मेंोल्ड है वहाँ पे मैं पीडीएफ ये वाला भी शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम और वो पी डी मैं शेयर कर दूंगा जो आपका स्पोर्ट्स एंड उसकी टर्मिनोलॉजीज़ होंगी वो वाला भी पी मैं एफ में वहाँ पर आपका शेयर कर दूंगा तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है और मैं आपको बता दूंगा कि किस किस किसके याद करना है ठीक है सर सुपरलेटिव्स लेटिव कराओ सुपरलेटि ये क्या होता है सुपरलेटिव्स सुपर क्या मतलब समझा नहीं मैं नेशनल गेम ऑफ यूएसए गलत बता दिया गलत तो नहीं बताएं यार बेसबॉल ही बताएं बेसबॉल ही, बता बेस ही होता है ठीक है बेसबॉल गलत तो नहीं बताया सर टक्कर कौन सी ट्रिक लगा के मारे थे <laughs> टक्कर कौन सी ट्रिक लगा के मारे थे वो टक्करें हो जाती हैं लगाई नहीं जाती लगाने जाते हो ना तो फिर <laughs> फिर नहीं लगती टक्कर परसों केमिस्ट्री होगी ना हाँ जी परसों से केमिस्ट्री स्टार्ट होगी आपकी मंडे से केमिस्ट्री स्टार्ट होगी बहुत पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आ रहे पवित्रा जी तो रिविजन की कमी है देने ठीक है रिविजन करिए तो वॉलीवॉल बता दिया था क्या बेसबॉल है भाई यूएस का नेशनल गेम्स ठीक है यूएस का नेशनल गेम बेसबॉल है बेसबॉल बेसबॉल ठीक है अभी खाना बनाएंगे फिर खाना है भूख लगी है जोर से रिया सिंह हमको भी तो और हमारे साथ भी तो यही अभी हम भी खाना बनाएंगे खाएंगे जाके <laughs> आदि सेम ब्रो सर आपके क्वेश्चन पढ़ो या पूरे टॉपिक्स ब्रॉड क्वेश्चन है यार हाँ श्रीलंका का वॉलीबॉल है श्रीलंका का वॉलीबॉल है आपका हाँ चलिए भाई थैंक यू सभी को वैसे भी लक्ष्य लंब, लंबा हो गया धन्यवाद सभी को ठीक है थैंक यू पिछली बार मैंने तीन लेक्चर में करवाया था स्पोर्ट तो इस वजह से भी थोड़ा सा लंबा हो गया पिछला वाला एक घंटे का था इस बार दो घंटे का तीन घंटे का और पिछले बैच में एक एक घंटे के तीन लेक्चर करवाए तो ये ऑलमोस्ट सेम ही पड़ेगी आपका मंडे से बैच टाइमिंग सेम ही रहेगी यार शाम के टाइम में अच्छा धन्यवाद धन्यवाद प्रियंका जी बागेश्वर तनुषा रेंस लाटी के नाम है क्या मुझे फ्यूचर थ्री पॉइंट सीजल बैच लेने की जरूरत पड़ेगी सीजल दो हज़ार पच्चीस के लिए नहीं कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप सीजल दो हज़ार ये जी के टू पॉइंट में ऐस कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा कोई चेंज तो हो नहीं जाएंगी ठीक है बार बार बैच बैच नहीं खेलना है, एक बार ढंग से कंप्लीट कर लो ठीक है बस थैंक यू सभी को धन्यवाद